रोज रोज मुझसे तेरा बच्चा नहीं संभाला जाता, कोई ऐसा मत कह। क्यों सवेरे सवेरे ही ताड़ी पीने चलती है? ताड़ी? अरे ताड़ी पीना तो मैंने कब से छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह मालूम है, ताड़ी पीना तुम छोड़ोगे? अगर अपनी भले चाहते हैं तो सीधी तरह लोटा रख दो। लोटा? हाँ हाँ लोटा रख दो। माँ सुन लेगी। सुनेगी तो क्या हुआ, मैं तो शाम तक तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठी रहूँ और तुम जाकर नीचे पर लोटे बरसाड़ी पीते रहो, ये रोज रोज की बातें पसंद नहीं समझे? नाराज हो गए? छोड़ दो मेरा हाथ। पहले बताओ ना हो गई क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा ये बात। अरे बापरे बापरे। बस जरा बाहर जा रहा था काम से, पीछे से टोक दिया। बोलो क्या काम है? जा जरा गाय को मैं बांधा, मुझे फुर्सत तो मुझ बुढ़िया कोई है, अब मैं ही जाऊँ गाय को चराने। कौड़ी का काम नहीं करता, मैं घर में घड़ी भर बैठता। और बैठ क्यों? बाल बच्चा ही ना हो तो ठसक किस बात की? चल रही चल, मैं भी कुछ दिन देखूंगी, मैं तो रतन का दूसरा ब्याह कर दूंगी। तोड़ दिया, गिर गया क्या? कुछ नहीं माँ, बर्थ में जा रही थी, हाथ से गिर गए। गिर गए? हाथ गिर गए? अरे हमारे हाथ से क्यों नहीं गिरते? क्या हाथ पर फंसा हुआ था? अरे इतने बर्तन उठाने थे, इस पिल्ले को क्यों उठा रखा है? अरे वाह, अभी जमीन से उठा नहीं, जबान बीते भर की निकल आई। ठहर जा, आने दे निर्मला को, ऐसी सुनाती हूँ कि फिर कभी इस कित्ते को मेरे घर नहीं भेजेगी। है शैतान कहीं का तो जानवर से, लेकिन नान के बच्चे को अगर सुधारना चाहती हो तो प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहिए। जा बेटा जा, जा मेरी बात याद रखना भाभी। अरे हाँ हाँ ऐसे कल के रहते बहुत देखे हैं, दूध लेते वक्त दीदी बिली और दाम गिनते वक्त चल जा जा। अरे अरे हुआ क्या, सवेरे सवेरे सांस की तरह गला क्यों फोड़ रहे हो? देखो रतन भैया, दूध पिए इसका बच्चा और खराब करूं मैं और दो थे दूध हो गया। ओ ये बात है। शिव जीवन महाराज मैं पूछता हूँ, दूध पिलाने की अगर ताकत नहीं है बच्चे क्यों पैदा करते? सर नहीं आती झगड़ा डूब मरो, चिल्लू भर पानी में डूबता हूँ। क्या है पैसे चाहिए ना? मैं जानता था तुम मेरी झड़ती लोगे, मिन्नत खुशामत करके ताड़ी पीने के लिए माँ से दो चार आने पैसे लाता हूँ, वो भी तुम लोगों की आंखों में खटकता है।
ये लो चार आने पैसे, अपने बच्चों को खिलाना। मेरी ताड़ी गई बाहर। यार रतन, बस बस अब बताने की जरूरत नहीं, मेहरबानी करके कल मेरे यहाँ चले आना। घर में गाय है, तीन चार से दूध होता है, थोड़ा सा दे दिया करूंगा। अरे मेरा क्या आगे बैल न पीछे पगार। और देखो जरा मुँह अधेरे आना, माँ ने कहीं देख लिया तो तुम्हारी मरम्मत के साथ ही साथ मेरी भी खोपड़ी ऊंची कर देगी, समझे? आई गगन जानवर को मारी जाएगा क्या? कसाई की तरह मारता ही जा रहा है तो देख बुद्धू पैया किचन में बसा हुआ है। जरा खोल दो ना भैया। अरे जा ठेल दो, मैं तेरे बाप का नौकर थोड़े ही हूँ। सकल सूरत तो बड़ी अच्छी है, किसके दामाद हो भैया? दामाद हमारा तो मैं किसी का भी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये चंदन गाँव में डॉक्टरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा तो तुम ही हमारे नए डॉक्टर हो? जी हाँ। मगर भला तुम्हें कोई पहचाने भी कैसे? अब तक यहाँ जितने भी डॉक्टर आए कोई तो मरियल बुढ़े और कोई अके पहलवान। तुमसे पहले जो डॉक्टर था ना, अरे क्या नाम है उसका? हाँ गदाधर, गदाधर। मैंने कहा जरा पहिया। पहिया? जी हाँ। ओ हाँ पहिया, तो जरा पकड़ो इसे। जरूर जरा घोड़ा संभालो। हाँ भैया हो रहा, चल रे उड़न खटोल, चल उड़न खटोल। हाँ गया गोकुल का फाउंडर, गया काम से। डॉक्टर नहीं था तो सबको होम्योपैथी की गोलियां खिला खिला कर दो चार पैसे कमा रहा था, उससे ही गया। अरे लोटा, अरे लोटा तो रह गई। अरे गाड़ी वाले, अरे डॉक्टर। क्या मुझे होम्योपैथी की दवा है, बस एक ही गोली में हो जाएगी छुट्टियाँ। देखा आज कैसे नया डॉक्टर आने वाला है, तू मेरी दवा नहीं खाएगा तो सुबह शाम उसकी सवारी कैसे खेचेगा? भैया गोकुल भैया। क्या भाई? तुम्हें मेरे घर तक चलना पड़ेगा। क्यों? बच्चे का बुखार बढ़ ही रहा है, उतरता ही नहीं। कल तुमने जो दवा दी थी ना उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हो गई छुट्टी, ऐसे कैसे फायदा होगा? डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, सब दवा असर करती है। पैसे? हाँ पैसे। पैसे कहाँ से लाऊं गोकुल भैया? कल घर के चावल बेच कर तुमको चारा नहीं दिए थे तो मुझे बड़ा एहसान किया था क्या? मेरे लिए तो गाँव में किसी के पास पैसे ही नहीं रहते, और वो एलोपैथी का डॉक्टर आएगा तो सुइयां लगवाने के सुबह शाम ठन ठन पैसे निकलेंगे। जाओ मैंने जाता बताओ। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? सुनो सुनो कंपाउंडर। कंपाउंडर? खबरदार जो मुझे कंपाउंडर कहा तो। जब एलोपैथी का लेकर आना तो कंपाउंडर कहना, आए तो होम्योपैथी की दवा लेने। डॉक्टर कहते हो तुम्हारी दुकान के लिए? अच्छी बात है, मैं तुम्हें डॉक्टर ही कहूंगा। हाँ मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, पहले तुम चलो तो सही। अभी मेरे पास पैसे तो नहीं। पैसे नहीं है तो कैसे जाऊंगा? मगर इस बार मेरे खेत में बड़े अच्छे बैंगन हुए हैं, सिर दो सिर ले लेना। बैंगन? हाँ बड़े अच्छे बैंगन है। सच कहता है या मेरा दिल बहलाता है? नहीं नहीं सच कहता हूँ कंपाउंडर। अच्छा अच्छा जैसे कह के चलता हूँ। गया अबे गया। ओ जाई आए बापू। ये अंग्रेजी दवा खाना भी एक मुसीबत है नारायण, या तो दवा बदलती रहती है नहीं तो डॉक्टर ही बदलता रहता। आज एक और नया डॉक्टर आने वाला। क्या है बापू? क्या रही थी? मैं क्या दे वो हस्ती क्या है? डॉक्टर के कमरे की सफाई करके आ, मैं जरा नारायण की लड़की को देख के आऊँ। होम्योपैथिक रहने के लिए आया है। हाँ चल नारायण। अरे नहीं भाई उधर से नहीं, वो जय जगदम्बे आ जाएगा तो हो जाएगी छुट्टी। क्यों ना थोड़ी देर बैठ जाए बिहारी, फिर तो मुझे गोपालपुर जाना है। जी हाँ। तू क्या कर रही है बेटी? बापू डॉक्टर का कमरा साफ करने के लिए कह गए थे इसलिए साफ करने जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जय जगदम्बे, जय श्री माँ की इच्छा। गोकुल की काफी बड़ी हो गई है। जी हाँ रंग भी निखर आया। हाँ अच्छा बिहारी, लोग कहते हैं कि गोकुल कंपाउंडर ने जमीन के अंदर खासी रकम गाड़ रखी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी जब सभी लोग कहते हैं तो कुछ सच्चाई तो होगी। हाँ वही मैं सोच रहा था। अरे गाड़ी की आवाज आई, चलो देखें शायद डॉक्टर आ गया है। आइए आइए
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप है हमारी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट श्री दास। बस 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 मैं समझ गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साहब भाड़ा। हाँ भाई ये लो 5 रुपए। अरे रे नया आदमी देखकर गला काटता है। साहब हमारा जो दस्तूर है वो लेते हैं। बात ये है कि शहर से इतनी दूर आने के लिए कोई गाड़ी वाला भी राजी नहीं था और रास्ता बेहद खराब है, बेचारा गरीब आदमी। नहीं नहीं जी, मेरी ये सब इन लोगों के बहाने हैं। लेकिन बिहारी गोकुल अभी तक नहीं आया। हाँ आपका कंपाउंडर जब से ये दाना खुला वही करता है। 5 मिनट मुश्किल हो। आप नए आदमी हैं, आपको भी सब कुछ बताना समझाना चाहिए। और मुझे गोपालपुर कच्छ जाना है। आप इतना नक्की मुझे फीस नहीं होगी, सिर्फ मेरे ठहरने का क्या इंतजाम है बता दीजिए। देखिए ये ऊपर का कमरा आपका। अच्छा वो कमरा। खाने का इंतजाम अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना गोकुल के यहाँ खाया कीजिएगा। मेरा ख्याल वही बेहतर रहेगा। वो भी ब्राह्मण है, थोड़ा बहुत कुछ दे दिया भी ऐसा ही करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, देर हो। अगर कोई भी जरूरत हो तो बकुल की लड़की है उसे कहिएगा। नमस्ते। जय नमस्ते। जय श्री माँ की। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसकी अभी आप तारीफें कर रही थी। आप?
मुझे, हाँ पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए कि न तो मेरे बकरे किसी दाढ़ी है, न मुछंदर किसी मुछे हैं, न अंधा हूँ न लंगड़ा हूँ, ठीक है ना? बहरहाल मैं ही नया डॉक्टर हूँ। अभी दयाशंकर बाबू ने बताया कि यहीं पे मेरे ठहरने का इंतजाम है। जी हाँ, बापू ने कहा ये कमरा साफ करने के लिए। ओहो, तो कंपाउंडर बाबू की लड़की हूँ। अच्छा, क्या नाम है? किसका, बापू का या मेरा? हमारा। मेरा नाम तो जया है, जया। ओ जया, नाम तो बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो कमरे की सफाई हो रही थी ना? सफाई तो बहुत अच्छी हुई है वाकई। अच्छा, अब मैं जाऊं? हाँ, तुम अब जा सकती हो। जाऊं। डॉक्टर, ए डॉक्टर, क्या बात है जया? कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर? हाँ, ऊपर है। ऊपर? अरे नीचे आकर देखो तो सही। अरे मैं हूँ, मैं रतन, रतन। ओ आप हैं? हाँ, ये आप बाप क्या होता है? देखो डॉक्टर, हम देहाती गंवार आदमी हैं, यहाँ तुम्हारी फांसी नहीं चलेगी, सीधे सीधे तुम कहो तुम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे हाँ, मेरा लोटा कहाँ है? लोटा? अरे हाँ, लोटा, लोटा, लोटा रहता। अरे अजीब भुलक्कर आदमी हो, मेरे लोटे की बात याद नहीं, मरीजों के नाम कैसे याद रखे? अरे गाड़ी का पहिया निकालते वक्त तुम्हारे हाथ में दिया ना। वो लोटा तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। शाबाश, शाबाश डॉक्टर। देखो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। कहो। तुम्हारे लोटे की कीमत क्या थी? कीमत? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लोटा कितने का था? अरे कीमत की फिक्र मत करो, वो मैं तुमसे सोले आने वसूल कर लूंगा। वो कैसे? वही जो तुम्हारे दवाखाने में होती है, बोतल वाली, बिलैती। तुम्हारा मतलब है? जाने दो, आज तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, फिर कभी देखा जाएगा। अभी तुम सोए हो, आराम करो, अब मैं चलता हूँ। हंसी क्या है? हाँ। तो डॉक्टर को बुला के ला। अरे वो हंसती रहती है। पापा आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। क्षमा कीजिए, आज फिर खाना बनाने में देर हो गई। बात यह कि जिया घर में बिना माँ की अकेली लड़की है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। पर अभी तो अभी बच्ची ना, इसलिए। उसमें क्या हुआ कंपाउंडर बाबू? मुझे तो वैसे भी खाना देर से खाने की आदत। अच्छा, तब तो हो गई छुट्टी। खाना ले आई बेटी? आप आइए आइए। बच्ची है ना, ये देहात का खाना आपको कहाँ अच्छा लगता होगा डॉक्टर बाबू? ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ कम से कम अच्छा घी तो मिलता है, भला शहर में क्या रखा हुआ है। हाँ ये तो है। हो गई छुट्टी, कपड़ा आप कर दिए ना, तुझे कब कराए? जाने दीजिए, अभी बच्ची तो है। अजी कौन की है? इतनी बड़ी होगी समझ नहीं आती इसको अभी। बाबू, डॉक्टर बाबू, ये कौन पुकार रहा है? अजी यहाँ तो पुकारते ही रहते हैं सारा दिन, आप खाना खाइए। नहीं जब देख कौन पुकार रहा है, देखे कौन? दीदी, एक बार डॉक्टर बाबू को बुला दो, मेरे बच्चे का सर फट गया, खून निकलना बंद नहीं होता, बहुत देर से बेहोश पड़ा हुआ है, बस एक बार भेज दो, नहीं तो मेरे इकलौते बेटे की जान चली जाएगी, फिर कभी नहीं बुलाने आऊंगा। तुम जरा ठहरो, डॉक्टर बाबू खाना खा रहे हैं, मैं अभी जाकर कहती हूँ, ठहरो। कौन आया जाई? मछेरों का सरदार झूमर, उसके लड़के का सर फट गया है, खून बंद नहीं होता, इसलिए डॉक्टर बुलाने आया। तुझे मालूम नहीं मछेरों के इलाज यहाँ का डॉक्टर नहीं करता? क्यों क्यों, ये भी कुछ माय से बाहर किया हुआ है, इनके यहाँ धोबी नाई डॉक्टर कोई नहीं जा सकता। वो कहता है फिर किसी दिन नहीं आएगा, सिर्फ आज एक बार के लिए। चुप रह, सिर्फ एक बार के लिए कहते डॉक्टर नहीं आएगा। नहीं, मुसीबत में पड़कर ही बेचारा बुलाने आया है, उसका लौटाना अच्छा नहीं होता, और फिर डॉक्टर का फर्ज भी तो कुछ होता है ना। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, खाना खाए बगैर चले जाओगे? कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा, मगर एक बात बता देता हूँ डॉक्टर बाबू, प्रेसिडेंट को पता चल गया तो झमेला हो जाएगा। मैं उनको बात को समझाऊंगा, ये सरकारी दवाखाना है और यहाँ पर किसी के इलाज से भी इनकार करना अन्याय ही नहीं बल्कि गैरकानूनी भी। हो गई छुट्टी, बड़ा आया कानून बचाने वाला। ए जय, क्या देखती है? अंदर, गई बोल। डॉक्टर बाबू, क्या है बीमार? अरे फीस।
इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रहने दो, बच्चे की दवा ले आना। कल सुबह मुझे बच्चे की हालत जरूर बता देना। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। गांव की पंचायत में और मच्छरों में क्या झगड़ा है? बस प्रेसिडेंट की मेहरबानी है। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछने लगे? मच्छर क्या गए थे क्या? वो बेचारा झूमर सुबह रोता हुआ आया था तो मैं चला गया था। किसी ने मना नहीं किया? कंपाउंडर बाबू ने मना तो किया था। फिर नहीं नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ, बोला डॉक्टर का फर्ज है मच्छरों को यहाँ नहीं जाना, सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है, और ना जाने क्या क्या पक्के चल दिया। हाँ, हाँ, नौजवान लड़का है, अभी खून में जोश है। अभी जोश क्या, सब जोश ठंडा हो जाएगा। अभी हम लोगों का फर्ज है उसे जाना। हाँ, वो तो मैं समझा दूंगा। लेकिन गोपी तुमसे कुछ बात करनी। करो।
बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो चली है हो गई। तो उसकी शादी ब्याह की भी तो फिक्र करनी चाहिए। हो गई छुट्टी, उसकी शादी ब्याह की फिक्र मुझे नहीं, तो क्या तुम्हें? अरे प्रेसिडेंट, मेरी अकेली ही तो बिना माँ के एक संतान है वो, मगर कोई ऐसा लड़का चाहता हूँ जिससे कि मेरी जय मेरे पास है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लड़का समझो कि तुम अपने घर ही में है। घर में? हाँ हाँ घर में। घर में कौन लड़का है? अरे शिव। हाँ मेरा शिव शंकर। हो गई छुट्टी। अरे प्रेसिडेंट, वो देखने सुनने में नहीं जचता, साफ बात है। अरे कंपाउंडर, रूप कभी मर्दों में देखा जाता है, शास्त्रों में ही कहा है कि रूप गुण और आयु ये तीन लड़कियों में देखे जाते हैं। क्या होगा शास्त्रों में, मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता, गोकुल डॉक्टर खुद अपना शास्त्री है। हाँ तो वो आ गया तुम्हारा डॉक्टर। धनुष के साथ जुटा रहे। चलो कंपाउंडर, उसे कुछ समझाए। नहीं नहीं, याद आदमी जाने से गड़बड़ होता है, तुम अकेले अच्छा समझाओगे। अच्छा। ओ आप, नमस्ते। नमस्ते, चेकर के लौट रहे हैं क्या? जी नहीं, तो जरा एक मरीज देखने चला गया था, ये मच्छरों की बस्ती में। मच्छरों की बस्ती में? जय जगदम्बे। नहीं नहीं, ये काम आपने ठीक नहीं किया, अनजाने में एक अन्याय कर डाला। अन्याय? इसमें क्या बात है, आखिर वो लोग भी तो आपके गांव के ही लोग हैं। मगर आप नहीं जानते, हमने उन लोगों को समाज से बाहर कर दिया है। हमारे समाज के पंचायत के नियम को मानने के लिए वो तैयार नहीं, और फिर है तो सब नीच। नीजा? हो, तो आपका मतलब ये है कि नीच जात वालों का इलाज नहीं होना? हाँ, चाहिए। इलाज नहीं होना चाहिए, अगर सबके साथ एक जैसा बर्ताव होने लगे तो बड़ों का बड़प्पन कैसा? अरे ऊंचा नीच में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मैं वैसे फर्क नहीं मानता। नहीं मानते? मान जाओगे डॉक्टर, अगर नहीं मानोगे तो प्रेसिडेंट तुमसे जबरदस्ती मांगे। क्यों प्रेसिडेंट? तो चुप रह। सुनिए डॉक्टर साहब, जब आप हमारे गांव में हैं तो हमारे समाज के नियम मानकर ही चलना चाहिए आपको। फिर आप तो लिखे पढ़े नौजवान हैं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, जो अच्छा समझे कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय श्री माँ की। देखते क्या हो डॉक्टर, देखते क्या हो, ये जय जगदम्बे बस मुंह में ही रहता है, मगर दिल में कालिया नाग बसता है, जहां मौका मिला। घबरा गए? घबरा गए? अरे भलाई के रास्ते पर घबराना काम नहीं आता, समझे? दोपहर में आप बिना खाए चले थे, इसलिए मैंने, यानी बापू ने। घर में है, घर में है, घर में है तो निकाल कर देना, सात दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। बोल कहाँ खोकर आई है? कह तो दिया कि लोटा मैंने नहीं खोया है। हाँ हाँ, तुम क्यों खोने लगी? लोटे को पर निकल आए थे ना, अपने आप ही उड़ गया। क्या हुआ माँ? हुआ मेरा सर, देखना मेरी सास के हाथ का कितना अच्छा मुरादी लोटा तालाब पर भुलाई, और कहती है मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अब तक तो कोई उठा कर ले गया होगा या पानी में डूब गया होगा। हाँ हाँ, जरूर डूब गया होगा, क्यों तैरना आता है? अब जाओ तालाब में डुबकियां लगा लगा कर लोटा ढूंढो। देख जरा हंसी तो देख, अब हंसने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मेरा लोटा ला कर दे। नहीं माँ, लोटा माया ने नहीं खोया है, लोटा तो मैं उस दिन ले गया था। बहू का दोष छुपा के लिए कहता है मैं लेकर गया था। तू लेकर गया था? तू लेकर गया तो तू ही ला कर दे। हाँ हाँ हाँ, ला दूंगा, कल ला दूंगा। हम कहा तुम एक लोटे के लिए बखेड़ा करती हूँ। बखेड़ा? मैं बखेड़ा करती हूँ? समझ गई, समझ गई, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सब बहू है ना। तुम तो तिल का तनाती हो, झूठ मूठ मैं दोष दे रही हो। क्या झूठ मूठ? आज तूने मुझे झूठा भी बना दिया। ठीक है ठीक है, तू सच्चा, तेरी बहुत अच्छी, अब तुम दोनों ही घर में रहो, मैं कहीं चली जाती हूँ। नहीं नहीं मां, चल अपना घर संभाल, मैं जाती हूँ। बस बस, किसी को जाना नहीं होगा, मैं ही चला जाता हूँ। रतन रतन, अरे खाना खाकर जा, बस घर में टिकने नहीं दिया ना। मैंने टिकने नहीं दिया? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करती, जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। जरा सुबह का गया घर खाना खाने आया था, भूखा ही चला गया, अब जाओ कहीं से ढूंढ कर लाओ। हे भगवान, मेरी तो जान आफत में है।
अरे रतन तो देवता है साक्षात डॉक्टर बाबू, किसी के घर में कोई बीमार हो बुलाओ रतन, किसी के घर में झगड़ा फिसाद हो बुलाओ रतन, किसी के घर में कुछ काज हो बुलाओ रतन, अगर दोष है तो यही है कि शराब भांग तारी किसी से परहेज नहीं है। तुम लोग मना नहीं करते, बाप मना कौन करेगा, मैं तो उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता। मैं गांजा पीता हूँ ना, कहता है पीते हो? मैं गांजा तो पीता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी एक लगा लेता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो बंसी, गांजा शराब ये जितने भी नशे होते हैं ना, इससे बहुत नुकसान होता है, मैं रतन को भी समझा दूंगा और ये सब खानी होता है। रतन आओ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बहुत दिन जियोगे तुम। अरे हटाओ, जिक्र करूंगा ही क्या, जीने की आप कोई इच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ क्या? अरे होगा क्या, लोटा लोटा। हाँ हाँ लोटा, एक दो बोतलें चढ़ चुकी है। अरे चुकरा के झड़ी कहीं का, ये कोई दो कड़ी का नशा थोड़ी है कि चिलम उठाई और बस नशा हो गया। डॉक्टर ये यहाँ क्या कर रहा है? जानते हो ये है सुना, लेकिन गांव वाले इससे गहने नहीं बनवाते, चोरी उठाई गिरी करके दिन गुजारता है, उचक्का है उचक्का। जरा होशियार रहना इससे, नहीं तो तुम्हारे ही जूते का कपड़े लेकर किसी दिन रफ चक्कर हो जाएगा। सुनते हो डॉक्टर, सुनते हो, मैं गांजा पीता हूँ इसलिए जूते कपड़े चलो चुपरा। डॉक्टर निकालो, क्या बड़ी बिलायती, निकालो भैया निकालो, जरा मन को शांति मिले। जो लोग समझते हैं कि नशा करने से मन को शांति मिलती है वो बेवकूफ होते हैं रतन। अरे वाह 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 वाह, शाबाश डॉक्टर शाबाश, तुमने क्या हम लोग का कलमन समझ रखा है। अरे निकालो बोतल। नहीं नहीं, दवा खाने में शराब नहीं मिलती। नहीं मिलती है? नहीं। चलो मैं खुद ही देखता हूँ मिलती है या नहीं। रतन वो सच में अंदर घुस गया डॉक्टर बाबू, देखो टीचर का मिक्सचर पीलेगा रतन। अरे रतन गाना चाहिए तो फिर तुम खुद ही निकाल के दो ना। सच कहता हूँ डॉक्टर, बिलायती शराब मैंने कभी नहीं पी है। तो पीने की जरूरत भी क्या है, मैं तो कहता हूँ जो तुम पीते हो ना वो भी छोड़ दो तो अच्छा है। छोड़ दो? हाँ, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगे। अरे छोड़ना इतना आसान होता तो फिर क्या था, मैंने बहुत कोशिश की है मगर पड़ी हुई लत छूटती ही नहीं। तुम अगर वाकई करना चाहो ना तो मैं छोड़वा सकता हूँ। कैसे? दवाओं के जरिए। छुड़वा दो तो मैं जन्म भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अरे इसी वजह से तो घर में मेरी ब्याह अभी तक मुझसे नफी है। ठीकी तो करती है, बापू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। किसको? ओ तो खाना पीना यही हो रहा है, है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जय देख जरा अच्छी तरह बनाया खिलाया कर, परदेसी आदमी है ना। अरे भाभी बाप, माँ कहाँ से टपक पड़ी? ओ डॉक्टर तुम माँ से कह देना मैंने खूब शराब पी है और घोलने से भी। अरे मगर सुनो तो, मैं तुम्हारी माँ से कैसे झूठ बोलूंगा? अरे बोलोगे बोलोगे, मैं घर से नाराज होकर आया हूँ ना। रतन सुनो, सब गंदेरी भंगेरी जमा हुए हैं गाँव। रतन ओ रतन, अरे इस तरह क्यों पड़ा है, क्या हुआ है? रतन ने शराब पी ली है। रतन ने शराब पी ली है? जई ये छोकरा कौन है नी, इसे पहले यहाँ तो कभी देखा नहीं। मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ। अच्छा तो देखो, रतन को किसी ने पिला दी होगी, पीता वोता नहीं है? पीता है, पीता है, खूब पीता है। तुम जाओ तो यहाँ से। चलो देखो, चल घर चल, खाना खा ले। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बहू पर कोई ऐसा गुस्सा करता है भला? चल। कहता तो हूँ मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मेरे खाने के लिए न्योता है। न्योता? हाँ। कहाँ? जय ने मुझे खाने के लिए कहा है। ओ नहीं नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे मालूम है रतन को तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा तब मैं चलूं, बहू बेचारी भूखी बैठी होगी। तुम तो बड़े जबरदस्त आदमी हो, तुमको मैंने खाने के लिए कब कहा? के लिए जैसे तरसी तो रहा हूँ ना। डॉक्टर निकालो। क्या वही बोतल? फिर वही, मैंने तुम्हें अभी समझाया कि शराब मत पिया करो, चलो खाना खा लो। मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं? देखो रतन अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे तुम लड़की को तरह जिद करने लगे, अच्छी मुसीबत है। चलो चलो खा लेता हूँ। क्यों शाम दिखा चुके? मारूंगा एक तमाचा। एक बड़े आए मारने वाले, बुलाओ बापू को। बुलाओ बाबू को, बुला ना बापू। बापू बापू बापू। चलो चलो खाना। ओह बाहर जा रहा था, रुको क्या कहना है? कहते इधर आओ। क्या बात है? बैठो। तो के बोलो ना क्या कहना चाहती हो? सुना है उस दिन तुमने जया के यहाँ खाना? हाँ खाया तो था। क्यों? जया ने कहा था इसे? जया ने कहा था? नहीं तो क्या, मांग कर खाया था? न मानो तो जया से पूछ लेना, कहो तो बुला लो। वो यहाँ आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी, मैं ही बुलाऊंगा, नहीं आएगी? ओ, तो मैंने जो कुछ सुना है वो सच है? अब और क्या सुना था? यही कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। क्यों, किस दुख के मारे? कोई संतान नहीं इसलिए। ये लो, ये औरतों की जादू क्या है, तुम लोगों के साथ गृहस्थी निभाना अच्छी खासी मुसीबत है। न जाने क्या सुनकर आई है और सवेरे सवेरे रोने लगी। भगवान अब तक मेरी गोद नहीं भरी,
देखो माया, ना थोड़ा मुझे अच्छा वही करो चाहो तो जया से। खबर मैं इस तरह परेशान करोगी खुद मुझे दूसरी शादी करना। कर लो ना, कर लो ना। करेगी क्या, जाने कहाँ से क्या सुनकर आई और अब बैठे बैठे रो रही है। हाँ। लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी अच्छी है। अरे भागता कहाँ है? क्या कहना चाहती हो? क्या ये बात सच है? क्या जो गांव वाले कहते हैं? क्या कहते हैं? कि जया का आजकल तेरा बड़ा मेलजोल है, तुम वहाँ जाता आता है। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। क्यों रे ये रो बात का, क्या क्या लगाया है मेरे नाम पर? मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया है ना, पर आप कभी चुप भी रहेंगे? चुप रहो, क्यों चुप रहो? किसी का डर है क्या? मैं आज ही कंपाउंडर के पास जाती हूँ और जैसे रतन का ब्याह पक्का करके आती हूँ। हाँ अरे भाई खले मीठी है मीठी, एलोपैथी की तरह कड़वी नहीं है। इस गांव आदमी छोड़े घोड़े भी मुझे ही थामे। अच्छी भली मेरी होम्योपैथी चल, आदमी घोड़े सभी सुखी रहते थे, अब फिर से उसकी इंजेक्शन की सुइयां शुरू हो गई। सुइयां? हाँ? अरे ठीक थी, उन सुइयों से तो तेरी होम्योपैथी लाख गुना अच्छी है। अच्छी है ना? हो गई छुट्टी। मैं कहता हूँ रतन की माँ, तेरे जैसे अकलमंद औरत और कोई इस गाँव में नहीं है। बोल बोल तुझे क्या बीमारी? बीमारी? अरे बीमारी हो तुझे, तुझे मालूम है ना रतन के बहू को बाल बच्चा जो नहीं होता। अच्छा तो उसके लिए दवा चाहिए? उसके लिए भी यही दवा चले? लो सुना मुए की बातें। सच कहता हूँ रतन की माँ, होम्योपैथी की एक खुराक से एक नहीं जोड़े होंगे जोड़े। जा तू, कल मैं तेरी बहू को देखने आ जाऊंगा। तेरे आने की जरूरत नहीं, अरे मैं तो आई थी जया की शादी रतन के साथ पक्की करने। हो गई छुट्टी? ये तू क्या कह रही, रतन की बीवी तो जिंदा है और फिर मैं स्वतन के घर अपनी बेटी दूंगा? अभी नहीं। अरे तू डरता क्यों है, साथ रहेगी तब ना। तो कहाँ जाएगी? झाड़ू मार कर भगाने वाली मैं जो बैठी हूँ। नहीं नहीं, अपनी बेटी के लिए मैं दूसरी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। और फिर जया की शादी तो पक्की हो चुकी है। पक्की हो चुकी है? हाँ? किसके साथ? पांच सात आदमियों के साथ। हाँ? मेरा मतलब है कि पांच सात आदमियों से बातचीत हो रही है, वो अपने गांव के प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, उसके लड़के से भी बातचीत हो रही है। हाँ? सुनो तो नदी, उस मुए बंदर बहरे के साथ करेगा? क्यों बहरा? बहरा नहीं तो और क्या, इतना भी नहीं जानता तो हुआ करे बहरा। मेरी होम्योपैथी की दवा बहरा तो क्या गुंगा भी ठीक करे? जन्म के बहरे को ठीक करेगा, वो भी दमड़ी की दवाई से। दे, 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 देखो रतन की माँ, खबरदार जो मेरी होम्योपैथी के खिलाफ एक बात भी कही तो बस हो गई छुट्टी। जाओ जाओ तुम जाते। क्या? अच्छा तो मैं जाता हूँ। जा जा। बड़ा आया घोड़े का डॉक्टर। अरे इस सुंदर लड़की की शादी उस मुए बंदर बहरे के साथ? बहरे की मारी जा गई। कलमुए खूब गला फाड़ फाड़ कर रहा है, इस और बात का भी होश है? अभी बाप आकर कहेगा खाना लाओ, जल्दी कचहरी जाना है। कहती हूँ घर में जरा भी ईंधन नहीं है, रसोई कैसे चढ़ेगी? ले कटारी, जल्दी से लकड़ी काट ला, ले। क्या काट ला? मेरा सर। आगे प्रेसिडेंट साहब। पिताजी। अरे कटारी हाथ में लेकर क्या कर रहा? बुआ क्या कहती है जानते हो? क्या कहती है? मेरा सर काट दे। अच्छा जा जा। कमला क्या है, खाना चाहिए ना? हाँ। अभी रसोई नहीं चढ़ी है, घर में ईंधन नहीं है, फिर से कह रही थी लकड़ी काट लाने के लिए। लकड़ी क्यों, कोयला क्या हुआ? कोयला क्या हुआ, बड़े प्रेसिडेंट बने फिरते हो, मालूम नहीं चार मन कोयले का दाम बाकी है। कोयले वाला मुंह पर उल्टी सीधी सुना गया। क्या ये बजा, दो कौड़ी का आदमी, वो क्या कहा? मैं उसके मुंह बोल दूंगा। मैंने क्या किया है? अरे नहीं, नहीं, नहीं तो कहा सरकार की तरह। पगला कमला, सोच रहा हूँ शिव की शादी कर दूं। शादी? हाँ। लड़की कौन देगा? देगा देगा, वो बंदोबस्त मैं कर लूंगा, बात भी मैंने चला रखी है। अच्छा तू देख, एक काम कर, जल्दी से रसोई चढ़ा दे, कचहरी जाने के लिए देर ना हो जाए। सुना? हाँ। क्या सुना? पिताजी प्रिंसिपल शादी करेंगे। चाय लीजिए। ओ ला। सुनो, तुम्हारे बापू कह रहे थे कि तुम बड़ी शरीर हो, दिन भर आम और अमरूद के दरख्तों पर चढ़ती फिरती हो, हर एक से झगड़ा करती रहती हो, मगर ये तो बताओ कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो इस कदर घबरा क्यों जाती हो? नहीं तो नहीं कैसे, मैं हमेशा देखा है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो कुछ खोस ही जाती हो, न जाने तुम्हारी वो शोखी वो शरारत ये सब कहाँ चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानू, मगर मैं जानू।
बताओ। क्यों? ये गिर गया था, मैंने सोचा कि जोड़ दूं। जोड़ दूं? हाँ। फिर आती है, चल अपना काम कर। अच्छा, तो मैं तालाब से पानी ले आऊं? हाँ ले आ। और देख, रास्ते में अमरूद मत तोड़ना, तेरी फल चुराने की बड़ी बुरी आदत है। सवेरे सवेरे ही निकल पड़े हैं, चाय का इंतजार तक नहीं किया गया। कबाड़ी की जैसी दुकान छोड़ के चल,
ना हो, एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है फिर क्या चिंता। और ऊपर से कहते हैं तुम मेरे सामने आते ही घबरा क्यों जाते हो? जैसे घबराती नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्यों घबराऊंगी? कहेंगे मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? जानते क्या हैं? बताऊं? क्या बताएंगे? यही ना जया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको कोई इतराज है? आप क्यों घबरा रहे? जया, डॉक्टर रतन भैया। ओ डॉक्टर जाइए ना। अरे रतन। हाँ क्या बात है? अरे बात क्या होगी, चलो ना रस पी कर आए। रस? हाँ हाँ रस। तुम तो पिलाओगे नहीं, मैं ही पिला चला। आओ नीचे आओ। हाँ बेटा, न जाने क्या सब पिला देंगे। कह दीजिए आपको कुछ काम है। क्या हुआ? अरे चुपचाप खड़े क्यों हो, उतरो ना। आज नहीं फिर किसी दिन चलेंगे, आज जरा मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। बड़े आए काम काजी, यहाँ कौन सा मरीज बैठा है तुम्हारा, उतरो ना। नहीं रतन, आज वाकई एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, फिर किसी दिन चलेंगे। वो सब बहाने बाजू मैं नहीं सुनूंगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलते। अरे रतन सुनो, मैं ऊपर आ रहा है, क्या करूँ? अच्छा चीज है, तुम कहीं चल जाना, मुझे दो, मुझे नहीं, तुम्हारे पास आएगा। ओहो, अरे मरीज तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है, कह देना जाके। तुम्हारे शहर में अंधे काने अपाहिज लड़के बहुत से तो होंगे, एक आपका नाम पता तो बताओ, उसी के पल्ले बांध के इसे गांव से विदा कर दो। बड़े आए विदा करने वाले, तुम्हारे कहने से मेरी शादी किसी अंधे काने के साथ थोड़ी होगी। और नहीं तो क्या, तेरी शादी डॉक्टर जैसे लड़के से होगी? सुना डॉक्टर, जमीन पे रहकर चांद को छूना चाहती है। अरे तुम लोग गंभीर क्यों हो गए? अरे भाई मैं गवार आदमी हूँ, न जाने क्या कहते कहते क्या मुझसे निकल। ए जय, अरे जय, ए जय, ये देखो रोते रोते चली गई, क्या मुसीबत है? डॉक्टर मैं तो तुमसे कह रहा था, ये लो तुमने भी मुंह लटका लिया। नहीं तो? नहीं तो क्या? अच्छा डॉक्टर एक बात पूछो, कहो। ये प्रेम रोग का इलाज तुम पहली बार कर रहे हो या एक दो बार और भी कर? नहीं नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं। मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी से मत खेलना, अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार। मगर हाँ एक बात याद रखना, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है गांव, यहाँ जो कुछ भी करो समझ बूझ के करना, समझे? अच्छा अब मैं चलता हूँ। कंपाउंडर बाबू, कंपाउंडर बाबू, ये दवा तैयार करके नहीं दे दीजिए। इसके लिए? इनकी लड़की के लिए। इनकी लड़की को इसका कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होम्योपैथी की दवा दे दी। होम्योपैथी? जी होम्योपैथी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी की माँ। समझते हो हमारी होम्योपैथी में हंसते हो? हंसू नहीं तो क्या करूं कंपाउंडर बाबू, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गई छुट्टी? क्या मतलब? मतलब ये हमारी कमाई नहीं बढ़ेगी, आज से बोलकर बंद, और ज्यादा बातचीत करो तो मारपीट हो जाएगी। तो आप मेरी कंपाउंडरी कैसे करेंगे? नहीं करूंगा साहब, ये लीजिए 10 रुपए की कंपाउंडरी की धमकी देते हो गई छुट्टी। जय, आप तो बड़े मजेदार आदमी वाले होते हैं। मजेदार आदमी मालूम होता हूँ? हाँ मैं मजेदार आदमी, आज से मेरे घर आना, खाना खाना और चुपके से चले जाना, बातचीत नहीं करना। मगर ये कैसे हो सकता है, आपके साथ काम करूं, आपके यहाँ खाना खाऊं और आपसे बात ना करूं? हाँ नहीं करोगे, वरना कहीं और खाने का बंदोबस्त कर। ठीक है मैं कल से रतन के यहाँ खा लिया करूँ। रतन के यहाँ कैसे खा लिया करोगे, आज तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया जिसे मेरे घर में खाना रतन के यहाँ खा लिया करूँगा। कह दिया। ये अजीब मुसीबत है, आप न तो मुझे यहाँ खाने देंगे और न किसी और के यहाँ। हाँ, नहीं खाने दूंगा, तो मेरे घर में खाना खाओ और मेरी होम्योपैथी को बदनामी करो। अच्छी बात है कंपाउंडर बाबू, मैं बदनामी नहीं करूंगा, आपकी होम्योपैथी बहुत अजीब बहुत। इससे थोड़ी हो जाएगी छुट्टी, लाओ। जया तुम्हारे बापू तो बड़े दिलचस्प होते हैं, अपने आगे किसी को सुनते ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि होम्योपैथी की बुराई करने से उस कदर बिगड़ते हैं।
अरे तुम कहाँ चली? समझ गया कि बुराई की है, इसी वजह से शायद नहीं करना चाहती। हम भला आपसे क्या बात करेंगे, आप बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप तक हमारी पहुंच, हम तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से ही बात करेंगे। अच्छा तो गया के रतन की बातें दोहराई जा रही हैं। तुम तो जानती हो जया के रतन किस कदर सनकी आदमी है, एकदम पागल, जो कुछ उसके मुंह में आता है बकता चला जाता है, उसकी बातों पर तुम ध्यान ही क्यों देती हो? रतन भैया ने ठीक ही तो कहा था। अच्छा और नहीं तो क्या? ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उधर कंपाउंडर बाबू मुझसे बात नहीं करेंगे, इधर तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं दीवारों से बात करूंगा? मैंने कब कहा था नहीं बोलूंगी? अभी तो कहा तुमने। वो तो सुबह रतन भैया ने कहा था, इसीलिए। तो ये तुम्हारे मन की बात नहीं? जया ये कितनी पगली, अब मेरा यहाँ से जाना इतना आसान थोड़ी है, तुम्ही ने तो तमाम रास्ते रोक रखे। मेरे देखो हंसो हंसो, जया सुनो, के साथ करोगे? कंपाउंडर राजी हो गया? राजी कैसे ना हो, बिरादरी से निकाल नहीं दूंगा। क्यों नहीं, सरपंच जो ठहरे। मगर दादा तुम्हारी नजर गया पर ही जाकर कैसे पड़ी? कंपाउंडर के पास काफी रुपया पैसा है शायद। बहुत बहुत, लोग कहते हैं कंपाउंडर ने बहुत सा धन जमीन के नीचे गाड़ा। वही तो मैं कहूँ, ऐसे तो दादा किसी तरफ हाथ बढ़ाते नहीं है। अब समझी, दिन रात जय जगदम्बे रखते फिरो और मन में किसी न किसी के सर्वनाश की चिंता। चुप रह, सीधी तरह से बात करना नहीं आता। सीधी बात तुम सुनते कब हो? मैं कहती हूँ शिव का ब्याह अगर करना ही है तो उस जैसी लड़की से ही करो, क्यों जया जैसी लड़की का जीवन नष्ट करते हो? बस बस रहने दे, देखता हूँ तो ये शादी तोड़ देगी। बुआ क्या हुआ, पिताजी उठ क्यों आए? अब उन्हें भात थोड़े ही अच्छा लगेगा, उन्हें ये चिंता लगी है कि गोकुल की पूंजी कब हाथ लगे। ठीक कहती हो, बात बिल्कुल कच्चा है। धन्य हो। ए, ए कर्मुए, कहती हूँ जरा अच्छी तरह जुल्फे चिकनाया कर, जया के साथ तेरी शादी होगी। किसके साथ? जया के साथ। जया, जया के साथ शादी होगी। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर दया शंकर बाबू ने हमें देख कैसे लिया? आपकी समझ में भला कैसे आएगा, मगर मैं पूछती हूँ कल आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अच्छा तो गया कि वो कसूर भी मेरा ही था। और गाना जो आपने पहले शुरू किया था? गाना शुरू किया था, जब शिव के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आ ही जाएगा, आखिर प्रेसिडेंट के बेटे की बहू। अब ये तो बताइए क्या करना चाहिए? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। सोच रहा हूँ। आप तो बस सोचते रहिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मैं ही करूंगा। जया सुनो तो। यही क्या है? कुछ नहीं, पानी लाने गए थे। कान तो बहरे हैं ही, अब आंखें भी फूट गई क्या? हैं? मैं कहती हूँ कान तो बहरे हैं ही, अब आंखें भी फूट गई क्या? चल कोई ऐसा कहता है। सुन क्या कहता हूँ मैं, ये हम लोग गोपालपुर जा रहे हैं सिनेमा देखने, तू भी चल। तू भी चल, मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ तो तेरी शादी होगी। अच्छा जानती नहीं,
पिताजी ने कहा है, है? चलेगी ना? इधर बैठ। यहाँ? हाँ हाँ यहाँ। कंपाउंडर बाबू क्या है? क्या कहा है आपने सब गांव वालों से जाकर? क्या कहा है? यही कि यहाँ से दवा कोई न लिया करे। वो कहते हैं एलोपैथी हमको पसंद नहीं, होम्योपैथी हमारे वास्ते अच्छा इलाज। तो ठीक ही तो कहते हैं, एलोपैथी के इलाज पैसे किसके पास? मगर पैसों की उसमें क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते कि खराची दवाखाना है और यहाँ पैसे नहीं लगते? तो हुआ करे, फिर भी लोगों की बहु बेटियां यहाँ दवाखाने में आएंगी। टाइफाइड और निमोनिया के मरीज यहाँ चल के आया करेंगे क्या? वो नहीं आएंगे तो मैं चला जाया करूंगा, उसमें क्या हुआ? मगर तुम्हारी फीस कौन देगा डॉक्टर? हाँ, दो चार आने देने वाला कोई नहीं। पाव दो पाव चावल मिलेंगे, फिर दो से बैंगन मिल जाएंगे। लोगे? मैं फीस ही नहीं लूंगा। बस तो फिर हो गए, छुट्टी कभी नहीं मानेगा। बोलेंगे डॉक्टर कह रहा जो फीस ही नहीं लेता, कहीं ठिकाना नहीं मिला, उठ जाएंगे। यहाँ के गांव के लिए होम्योपैथी अच्छी है बाबू। होम्योपैथी अगर अच्छी थी तो आपने कुनैन क्यों दी? कौन कहता मैंने कुनैन दी? मैंने अपनी आंखों से इसके घर में कुनैन की गोलियां देखी। हाँ तो क्यों ना देता कुनैन? कुनैन दवाई होम्योपैथी की तो मैं एलोपैथी वालों ने चुरा ली है। मलेरिया में कुनैन नहीं दूंगा तो क्या दूंगा? इसको मलेरिया नहीं था, आपको आता जाता कुछ नहीं, दवा दे दिया करते। आप एलोपैथी होम्योपैथी कुछ नहीं जानते। क्या कहा? मैं होम्योपैथी नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानते। चिल्लाइए मतलब, जो मैं कह रहा हूँ कीजिए। लीजिए ये दवा इसे बना कर दीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। अच्छी बात है तो होगी छुट्टी। जय जय। मैं होम्योपैथी नहीं जानता, अभी बताता हूँ तुझे मैं क्या क्या जानता हूँ। जय। अगर मैं होम्योपैथी नहीं जानता तो तेरे घोड़े का इलाज सिर्फ गधे ने किया था। वो तेरा गच्छे कमारा घोड़ा दो कदम नहीं चल पाता था। ये गोकर डॉक्टर की होम्योपैथी का कमाल है कि वही घोड़ा आज फटाफट दौड़ने लगा है। जय। कहाँ मर गई? देख खबरदार, आज चक्र से बातचीत बिल्कुल बंद। बातचीत क्या? ये दरवाजा भी बंद कर दे। हो गई छुट्टी। एक बार पहले भी इसने मेरी बुराई की, ये मेरा अपमान करेगा और मेरी लड़की के साथ गाला गाएगा। नहीं गा सकता। और इसका खाना भी बंद कर दे आज। जब मर्जी हो खाए इसकी, देखता हूँ क्या खाता है। मुझे होम्योपैथी नहीं आती ना, मैं इसको होम्योपैथी की पूरी किताब रख के बताता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ। हो गई छुट्टी। बापू क्या है? तुम सचमुच किताब लेकर बैठ गए? खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, तब तक पूरी किताब नहीं रख दूंगा, खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हो गई छुट्टी। अब मैं बता दूंगा कि होम्योपैथी क्या बुला है और गोकर क्या बुला है। हाँ, कहाँ गया तंबा? ये रहा अर्सेनिका। अर्सेनिका सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द, जैसे तन में आग लगी। सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द जैसे तन में आग लगी हो। नक्सामिका अंदर जाड़ा बाहर गर्मी, बाहर जाड़ा अंदर गर्मी, अंदर जाड़ा बाहर गर्मी, बाहर जाड़ा अंदर गर्मी। माहिरिका अंदर बाहर दोनों गर्मी। महरिका अंदर बाहर दोनों गर्मी, अंदर बाहर दोनों गर्मी। अरे अर्निका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटती हूँ। अर्निका अर्निका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो। अर्निका अर्निका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटती हूँ। अर्निका अर्निका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, पीठ में दर्द हो। नहीं, हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ जी चाहे बंदोबस्त कीजिए। मेरे बापू का अपमान करेंगे, ऊपर से मेरे साथ गाना गाएंगे। हाँ ये ठीक, सुना देती देखता। हम लोग आपसे नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगी, बापू भी नहीं बोलेंगे। बस हो गई छुट्टी। जल्दी से खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई। क्या बात हुई? मैंने अच्छी तरह सुना दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। कह दिया ना? अच्छा किया, बहुत अच्छा। अच्छा किया ना? हाँ। चलो बाबू हम लोग खाना खा लें। हाँ चलो खाते हैं। मगर सुन तो। क्या है बापू? मैं कहता हूँ ये परदेशी पर कम वक्त है भी ब्राह्मण,
भूखा तो नहीं पड़ रहेगा? रहने दो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई की है ना? हाँ वो तो की है, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। चके की जबान उठाई मारती, तू ठीक कहती है, पड़ा रहे भूखा, तब खाना खाते। मगर ये ठीक रहेगा ना? क्या? यही कि हम लोग तो खाएं और वो बेचारा माँ बाप से दूर भूखा पड़ रहे, अच्छा नहीं लगता जाई। अच्छा जा, तू आज उसे बुलाई। हाँ मगर उसे कह दीजिए कल से अपना बंदोबस्त कर ले। मैं? हाँ मैं नहीं बुलाऊंगी, अगर बुलाना है तो तुम खुद बुला लो। बस मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगा, मेरी उसे बातचीत बिल्कुल बंद है। तो क्या हुआ, आज के दिन और कर लो, कल से मत करना। आज के दिन कर लूँ? अच्छा तू कहती तो कर लेता हूँ, मगर उसे कह देना ये रोग की आदत अच्छी नहीं है। नहीं बापू बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, ए डॉक्टर। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर जाओ, डॉक्टर खाना खा लो। अरे ये पहले ही होगी छुट्टी? जी हाँ। जय जय जय। क्या है बापू? अरे वो तो खाना खा रहा है। कैसे क्या हाथ से और कैसे ये कैसे? मेरा मतलब है उसको खाना कहाँ से मिल गया? अरे यही तो मैं पूछता हूँ, उसे खाना कहाँ से मिल गया? यही तू तो उसे खाना नहीं देके आई। नहीं बापू, तुम भी कैसे बातें करते हो, वो तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई करे और मैं उसे खाना दूँ, उसे गाली दूँ गाली? हाँ ये तो मैं जानता था, मैं भले ही तरस खा जाऊँ मगर तू तरस खाने वाली नहीं है। मगर फिर भी उसको खाना किसने दिया? मैं बताऊँ? बोलो। जरूर कोई मरीज दे गया हो। मरीज? तब तो हो गई छुट्टी। अरे अगर उसने भी दाल रोटी पर डाकरी शुरू कर दी तो अपना क्या बनेगा, अपने को तो पहले ही दो बैंगन मिलते हैं। अरे तुम टीसी मत लेना। हाँ? क्या कहा? टीसी ना लूं तो भूखा मरूं? क्या हुआ, हम लोग गांव वाले हैं, दो चार दिन नहीं खाएंगे, मगर ये शहरी डॉक्टर है ना शहरी डॉक्टर, एक दिन खाना नहीं मिला तो यूं भाग जाएगा। हाँ। भूखा ही भागेगा, होम्योपैथी का मुकाबला करने आया? अरे पहले भूखा मरना सीखो डॉक्टर, भूखा मरना। चलो हम लोग खाना खा ले। हाँ ऐसा खाऊंगा, खूब खाऊंगा, क्योंकि इसे भी पकाने के लिए फाके करने ही पड़ेंगे। चलो लाओ खाना। बस आज और पी लीजिए, कल से अगर जरूरत पड़े तो खुद बनाइएगा। फिलहाल सुल्तान आता है ना, खाना पका सकते हैं? कोशिश करूंगा, कोशिश करने से इंसान क्या नहीं कर सकता। तो कोशिश करके बापू के साथ सुना क्यों नहीं कर लेते, ये झगड़ा ही मिट जाए। तुम हापू अगर बात बात नाराज हो जाया करे तो उसमें मेरा कोई कसूर है? होम्योपैथी के बारे में एक लफ्ज भी कहता हूँ तो उनकी आग लग जाती। आप होम्योपैथी के बारे में कुछ कहते ही क्यों हैं? वाह वाह, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं, फिर भी कहूँ? हाँ कहना पड़ेगा। कुछ नहीं, हो। नहीं होगा ना? ठीक है, उसका हुक्म है, यहाँ नहीं आ सकती। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? बापू बुला रहे हैं, आप उनसे जाकर कहिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चाहिए ना? चाहिए। ओ जय, आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, जय ऊपर है। ये तो क्या हुआ? कंपाउंडर बाबू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। सुनिए सुनिए, राव मैं पूछ रहा था कि अगर किसी के सर में सुबह से दर्द हो तो उसकी कोई दवा है आपकी होम्योपैथी? नहीं, तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं? कौन बोलता, कौन बोलता है होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं है? होम्योपैथी में सर का दर्द, आंख का दर्द, नाक का दर्द, मुंह का दर्द, दिल का दर्द, हर दर्द की दवा है। तो मुझे ये नजर आती नहीं दूंगा, बात नहीं है, मैं उनका इलाज नहीं करता। देखिए क्या है, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं था मगर आज सुबह जब मेटेरिया मेडिका खोली तो उसमें एक सफे पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? यही कि होम्योपैथी भी अच्छा इलाज। लिखा था ना, तो फिर हो गई छुट्टी। ये जो आजकल के अनाड़ी ना, ये वो समझ जाते? मगर तो पढ़ा था। तुम्हें बड़ा अच्छा लड़के हो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम्हें सर के दर्द की दवा चाहिए? बेस्ट दवा नहीं, अरनी। अरनी का? हाँ हर दर्द। अरनी का? हाँ आओ अंदर आओ, आओ बैठो बैठो। होता है ना सर में दर्द होता है तो सर घूमता है या फटता है? जी शायद घूमता होगा। शायद जो होम्योपैथी में शायद दर्द कितनी देर रहता है? जब तक उसका जी चाहे। मेरा मतलब ये है कि सारे दिन रहता है। तो ऐसा बोलो ना, दिन रहता, सारा दिन दर्द रहता है। अरनी का, अरनी का, अरनी का,
ये लो एक खुराक जो कमरे में ले आता हूँ, वहाँ कुल्ली करके अच्छी तरह जाओ। एसी अच्छा लो कुल्ली अच्छी तरह कर लेना ताकि ये एलोपैथी को तुम्हारे मुंह से निकल जाए। हाँ दवा ले आया अरनी का। अच्छा तो अब जल्दी से एक फुट पानी के साथ खा लीजिए और चादर तान के सो जाइए, सब रोग दूर हो जाएंगे। सब रोग दूर हो जाएंगे तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही खा लेते हैं। वाजी आपकी दवा मैं क्यों खाऊं? इसलिए कि रोग तो हम दोनों को लगा है। अच्छा घर घर में तुम तो अच्छी हो ना बेटी। और आप तो समझो कि मजे में ही हैं, क्यों? हाँ अच्छा ही है, मजे में रहना ही अच्छा है। जय जगदम्बे, जैसी माँ की इच्छा। गुल कंपाउंडर आओ फ्रेंड, आओ आओ। कैसे आए? देखो कंपाउंडर, अगर क्यों अगर तुम अपनी जवान लड़की को इस तरह डॉक्टर के से मिलने जुलने दोगे तो मेरे लिए उसे अपने घर की बहू बनाना मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं बेटे, अच्छा लड़का अच्छा है। जगह अच्छा लड़का, डॉक्टर लड़का अच्छा हो गया। अरे दो दिन पहले कहते थे कि तुमसे रोज झगड़ा क्या करता है, बंद है, मगर उम्र अच्छी नहीं है। उम्र की बात छोड़ो फ्रेंड, अपनी तुम्हारी क्या उम्र है, फिर भी कोई जवान लड़की नजर आ जाए एक बार छुप के जरूर देखेंगे। जय जगदम्बे। देखो कंपाउंडर, एक बात तुम साफ कह दो कि अपनी लड़की की शादी मेरे शिव से कर रहे हो या नहीं? प्रेसिडेंट जया की शादी शिव के साथ क्या करूंगा? क्यों सुना वो कान से बहरा है? बहरा है शिव, बहरा है। कौन कहता है? गांव में सभी कहते हैं। तुमने नहीं सुना? नहीं सुना। तो तुम भी बहरे? देखो देखो कंपाउंडर, मजाक मत करो। बोलो बोलो कौन कहता है, बोलो, मैं खुद पूछूंगा। लो वो रतन आ गया, उसी से पूछ लो। रतन कहाँ हो तुम? क्या बात है रतन बेटा? अरे बाप रे बाप रे बाप, आज बड़े खातिरदारी हो रही है, मामला कुछ सुनी नजर आता है। कंपाउंडर सुनो, पगले की बात सुनो। पूछो पूछो। हाँ रतन, मैं अपनी शिव की शादी गोकुल की बिटिया जया से कर रहा हूँ। गोकुल कह रहा है, मना तो नहीं कर सकता। मैंने कब कहा? अरे मैं कहूँ या तुम कहो, एक ही बात है ना। क्यों रतन की शादी शिव के साथ? अरे वाह वाह वापस दे, क्या अच्छी जोड़ी रहेगी। जोड़ी अच्छी रहेगी, हाथ जोड़ी रहेगी। वो तो सुना है कान से। कंपाउंडर किसने तुम्हें कहा है? रतन जानता है, पूछ लो। रतन क्या बहरा है शिव? नहीं 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 नहीं, बहरा नहीं है। कौन कहता है शिव बहरा है? प्रेसिडेंट के लड़के का भी बहरा हो सकता है? हाँ बात यह है, बड़े आदमी का लड़का है ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें करने से सुनता है। रतन मजाक करता है। ये लो अभी अभी दामाद की तरह खातिर कर रहे थे। आओ रतन बैठो। रतन चुप रह। क्या मैं नहीं जानता हूँ कि किस लिए तू ये शादी तोड़वाना चाहता? क्या जानते हो? हो गई छुट्टी भाई, मेरे घर में झगड़ा फसाद मत कर। तुम चुप रहो कंपाउंडर, गांव की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। रतन खुद जयादी करना चाहता है। वाह वाह प्रेसिडेंट, सवा मुझसे झूठ कहना चाहता है? अच्छा कंपाउंडर तुम ही कहो, सच है या झूठ, बोलो। रतन की माँ ने एक बार बात तो चलाई। अरे माँ की बात छोड़, वो तो ना जाने क्या क्या कह जाता है। हाँ हाँ हाँ, पोल खुल गई तो हंसी से उड़ाना चाहता है। मेरा लड़का देखने में अच्छा नहीं, कानों से बहरा है, और आप जैसे राजकुमार हैं। रिश्ता बहुत अच्छा होगा कंपाउंडर। झगड़ालू साथ, झगड़ालू साथ, कर दो रतन से शादी, कर दो, तुम्हारी लड़की बहुत सुखी रहेगी। अरे सुनो ना प्रेसिडेंट, अरे कौन रतन से शादी करता है? कर दो ना, रतन से हो, डॉक्टर से कौन मना करता है। लेकिन कंपाउंडर एक बात कह देता हूँ कि तुम्हारी जी की शादी किसी से ना हो पाएगी जो रसे शादी से पहले। रतन भैया क्या झगड़ा मत करो रतन भैया। हाँ तू ठीक है जी, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। गांव की एक मां लड़की को तुम खासा बदनाम करते फिरोगे, इसीलिए आज मैं तोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारी जबान खेत जाएगा। कंपाउंडर तुम्हें गवाही देनी होगी, मैं रतन के ऊपर हद तक इज्जत का दावा लाऊंगा जरूर। नहीं प्रेसिडेंट, ये दावा मुकदमा ठीक नहीं है, मैं अपनी बेटी के बारे में कोई झगड़ा झंझट नहीं चाहता हूँ। है शाम हो गई है, रतन चराने का नाम नहीं, उसी देर बना के बच्चे को लेकर बैठी है। ले सुन सुन, रहने दो ना माँ, अगर थोड़ी सही दिल बहलाती है तो बहलाने दो। ठीक है ब्याही लाओ।
मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस तरह रो रखकर तुम्हें क्या मिलेगा? अब जाओ, जल्दी से रसोई चढ़ा दो, नहीं तो माँ फिर बड़बड़ाने लगेंगे। मुन्ने को मैं देखता हूँ। देखना क्या है, देखते रहने से ही काम नहीं चलेगा बिहारी। अगर जया की शादी थी उसे करानी है तो उस डॉक्टर को इस गाँव से निकालना ही पड़ेगा। शहरी आदमी है, कोई भरोसा नहीं। किसी दिन छोकरी को लेकर गांव से भाग गया तो? जी हाँ, कोई भरोसा नहीं। तो दादा, फिर डॉक्टर को गांव से विदा करने का कोई बंदोबस्त करो ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले करने से क्या होगा, पंचायत भी तो है। दादी बात, पंचायत तो तुम ही हो, कोई भला तुम्हारे खिलाफ जाएगा? जो तुम कहोगे वही सब दोहराएंगे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है। अरे रत्न की वजह से वो सीधी तरह से थोड़ा ही मानेगा। सीधे नहीं तो टेढ़े सही, छल बल कौशल इनसे काम लो। कौशल? हाँ, ये तुमने ठीक कहा बिहारी। जी हाँ, डराने धमकाने से रतन राह पर नहीं आएगा, लटकंवार आदमी है। सच पूछो तो दादा, उसे देखते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। कुछ ऐसी तदबीर निकालो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बिहारी, एक काम करो, खबर कर दो कल सुबह होते ही सब काली मंदिर में आ जाए, कहना जरूरी मीटिंग है, समझे? रतन के बारे में वो मैं देख लूंगा। तो दादा फिर मैं चलूं? हाँ, हाँ। जय जगदम्बे। बस बस, बहुत हो चुका है, लाइए मैं चला दूं। ओहो, तुम ठहरो तो, तुम देखती रहो, देखो अभी भी मैं बहुत देखती। लाइए।
डॉक्टर, आप सब लोग क्या बात है रतन? अरे बात क्या पूछो, बात बहुत बढ़ चुकी है, अब हम लोग बात पूछने आए हैं। क्यों प्रेसिडेंट? हाँ क्यों डॉक्टर साहब, कर क्या रहे थे? जो चेहरे और हाथ में कालिक लगी हुई है। अंगीठी सुलगा रहा था। वो क्यों? कंपाउंडर बाबू ने कहा है कि अब साथ नहीं खाने देंगे। लड़की आई थी आपकी अंगीठी सुलगाने के लिए। अच्छा है, अच्छा है, सुंदर और जवान लड़की हाथ बटाने के लिए मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपसे मुझे ऐसी बात सुनने की उम्मीद न, यही ना। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे भी हमें ये उम्मीद न, गांव वाले आखिर अंधे तो नहीं है और बहरे भी नहीं है, हमें सब पता है, दोनों नदी किनारे गाना गाते हैं। गाना? कमाल कर दिया उस्ताद, गाना भी गा चुके। शाबाश। अभी बताइए गांव में किस घर में भोगे क्या नहीं होती? हाँ बताइए, वजह से मुंह बुखार आ रहा है, मगर इस डॉक्टर को मैं किस भरोसे पर घर बुलाऊं? बिल्कुल ठीक है, हम दिन तुम्हारी घरवाली को ही लेकर भाग जाएगा। हाँ? सुना सुना प्रेसिडेंट, रतन की बात का लहजा सुना। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे क्या रतन? हाँ तू बकवास करता रहेगा या काम की बातें करने देगा? अच्छी बात है, मैं चुप रहता हूँ, तुम चालू हो जाओ। देखिए डॉक्टर साहब, गांव के लोग कहते हैं और ये पांच पंचों की राय भी है, समझे कि नारायण कह रहे हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, मानो की इसी से सीधी बात कह गए। अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तो चुप रहने के लिए कहा गया है, मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं बोलना तू है। हाँ बोलो। हाँ बोल, बोलो। हाँ हाँ अच्छा तो बोल ही दूंगा फिर। कहो, तुम्हारा पत्ता कट गए काम से। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया, चंदन गांव में अब तुम रह नहीं। मगर मैंने कसूर क्या किया? कसूर क्या है? किया है, अगर नहीं किया हो तो कसूर हम लोग बना सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर, हम लोग सब कुछ करते हैं। क्यों प्रेसिडेंट? नहीं ए, रतन चुप रह, जो कुछ कहूंगा। हाँ, हम खुद ही कहेंगे। कहो प्रेसिडेंट, तुम ही कहो। सुनिए डॉक्टर, इस दवाखान के लिए ये लोग कोई पुराना तजुर्बेकार डॉक्टर चाहते हैं, इसीलिए दरखास्त लेकर मेरे पास आए। ओ मैं कहना चाहता भी हो, इसमें बदनामी आपकी है, बेहतर यही होता कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छी बात, अगर आप लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। बाबा बाबा डॉक्टर, वो क्या बात है तुमने, शाबाश। क्यों नहीं, कुछ भी हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी ठहरे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ प्रेसिडेंट? जो कभी शराब भांग नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं चाहता, ना स्वार्थ के सबकी भलाई करना चाहता है, वो कभी बुद्धिमान होता है? और वो तो महामूर्ख है, गधा है, गधा। क्या मतलब, तो कहना क्या चाहता है? नहीं मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी समझ में सिर्फ यही नहीं आता कि पहले तो तुम डॉक्टर के यहाँ लाए ही क्यों और अब निकालना क्यों चाहते हो? मैं निकालना चाहता था? अरे ये सब गांव वाले, ये नारायण, जानकीदास, बंसी, बिहारी, यही लोग तो मेरे पास दरखास्त लेकर आए। हाँ हाँ ये देखना दरखास्त, जहन में जाए तुम्हारी दरखास्त। क्या मतलब प्रेसिडेंट, हम इन्हें बदनाम क्यों करते हो? तुम जो कहो ये सब वही करेंगे, ये सब आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर है, तभी तो अपना भला बुरा सोच नहीं पाते। तुम इन लोगों की बातों पर नाराज होकर चले मत जाना, ये लोग सब नाचार है, नाचार है, इनके दिलों प्रेसिडेंट के लिए ना इज्जत है ना प्यार है। डर है डर, ये सब प्रेसिडेंट से डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं। देख रतन, गैर कानूनी काम मत कर, मैं लोगों को भड़काना चाहता है, जानता है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये हम की इन लोगों को देना, मुझे नहीं। अच्छा मैं तुझे जेल की हवा ना खिलाऊं तब कहना? गुस्सा मत दिलाओ प्रेसिडेंट, गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। मैं अकेला होता तो जेल की परवाह नहीं करता, मेरे घर में माँ है, बीवी है, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तुम्हारी वो मान मत सुनकर बाप का भी नाम पूछ जाऊँ। ये मत सुन लिया, सुन लिया तुम लोगों ने, सब कोई गवाही दोगे, मैं थाने चलता हूँ। चलो मैं चलो ना, चलो कोई यहाँ से कदम भी नहीं उठाएगा, अगर उठाया तो इसी की टांगे तोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट रिपोर्ट करना है तो अकेले जाओ, कराओ रिपोर्ट, देखता हूँ तुम क्या करते हो। डॉक्टर डॉक्टर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, डॉक्टर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं देखता हूँ इस गाँव से तुम्हें कौन नहीं, मैं इसकी जान ले लूंगा। अच्छा ये बात है, मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। लेकिन की चक्की न पिटवाई दादा, तेरा नाम बदल दे, तेरे जैसे पेशेंट खूब देगा दादा। अरे छोड़ो रतन भैया, खूब नीचा जी रतन,
इतना गुस्सा करते हो? खामखा मेरे वास्ते इतना झगड़ा किया। बदबू, उस दिन तुम्हें इतना समझा फिर भी तुमने सुनाई नहीं। ये क्या प्रेशर बना रखा है? हम मर्जी आए नाश्ते का तो फिरोगे? मैं पूछता हूँ, यहाँ डॉक्टरी करना आई हुई लड़की उस दिन पहले ना आयो? जब नहीं आती तुम्हें, तुम मरो डॉक्टर, तुम मर। ए जय, चलो चलो इधर। देखा बिहारी, डॉक्टर का माकूल इलाज हो गया ना? अरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब देखूं कौन बुलाता है उसे। जो भी बुलाएगा समाज से बाहर। देखा इसका नतीजा? नतीजा सामने आएगा ना। बाजी मार, अब क्या चिंता है? तो दादा, अब की होली का त्योहार जरा धूमधाम से मनाना है। हाँ, हाँ, दादा। बस अब 3 ही दिन तो बाकी है। हाँ हाँ, होली तो जरूर धूमधाम से मनाई जाएगी। और अगर जरा ये रतन को नीचा मैं दिखा सकता। अच्छा डॉक्टर, उस दिन गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आज एक बात पूछूं? पूछो। जया तो सचमुच डॉक्टर क्या उसकी जिंदगी से खेल रहे हो? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये कैसे कह सकते हो? शहरी आदमी हो ना, सच्ची बात मुझसे निकलेगी नहीं। काका जल्दी चलो, बापू का हालत बहुत खराब है। अरे मैं जाकर क्या करूंगा, डॉक्टर को ले जाना। माँ ने तुम्हें बुलाने को कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा डॉक्टर को कोई नहीं बुलाएगा। तो जा, प्रेसिडेंट को ही बुला कर ले जा, नहीं जाता। चलो ना रतन काका। तो जा बाबा के यहाँ से रंग एक समझ। रतन, ये कौन लड़का था? अरे वही जीवन महाराज का बेटा। क्या कहूँ डॉक्टर, गाँव अब रहने के काबिल नहीं। यहाँ इंसान नहीं जानवर बचते हैं, जानवर। इसमें बेचारे गाँव वालों का क्या कसूर है? ये तो बेपढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। तुम्हारा सर, लिखने पढ़ने से जहालत थोड़ी दूर हो जाती है। बताओ बताओ। ऐसा कहते नहीं, ये सब प्यार के भूखे हैं डॉक्टर, प्यार के भूखे हैं। दिल तड़प उठता है जब मैं देखता हूँ इंसान इंसान से नफरत करता है, प्यार नहीं। अरे औरों की बात छोड़ो, पति पत्नी में प्यार होता है, दिन रात खटपट लगी रहती है, फिर भी देखो बच्चों पर बच्चे पैदा होते जाते। अच्छा डॉक्टर तुम ही बताओ, जिन्होंने दिल में आग लेकर जन्म लिया उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हारी और मेरी हस्ती क्या, स्वयं भगवान भी फेल हो जाएंगे। रतन भैया, तुम में और माया से प्यार है ना? वो डॉक्टर, ये लड़की भी प्यार की बात करने लगी। अरे मेरी बात तो सारा गांव जानता है और तू नहीं जानती, इसीलिए दोनों दिन रात झगड़ती रहती है। मैं भला क्या, गांव भर के साथ झगड़ा करते फिरो और बैठे बैठे शराब पियो। सुना सुना डॉक्टर, तुमने इतना लेक्चरबाजी करके मेरा शराब पीना छुड़वाया, इसने फिर नाम ले लिया। यूं से मन मजाक बिगड़ा हुआ, जी करता कहीं पर एक घुट पी कर आऊं। अब मैं चलूं, न जाने जीवन के बेटे ने वहां जाकर क्या क्या लगाया होगा। अच्छा डॉक्टर, मैंने क्या सचमुच कहा था वह नहीं जाऊंगा? नहीं कहा था ना? हाँ, अच्छी मुसीबत। ये आज आप इधर कैसे तशरीफ लाएं? कंपाउंडर बाबू ने मना किया था ना, अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज नहीं होंगे? बापू नाराज हो या ना हो, मगर मेरा यहाँ आना शायद आपको पसंद नहीं आया। जया, क्या कर रहे हो? उधर बाप मर रहा है, तुम्हें उधर मचाने की? पहले ये तो सुनो माँ। क्या है माँ, रतन काका नहीं आते? नहीं आते तो मैं क्या करूँ? करोगी क्या माँ, नाचो ठुमक 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 ठुमक, सही 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 सही। क्या हो रहा है भाभी, तुमने तो घर को बिल्कुल नरक बना रखा है। मारो मारो लाला जी, और दो चार हाथ मारो, मेरा जी जुड़ा जाए। तुम ही बताओ लाला जी, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो ऐसे नाराज पैदा? ऐसे लड़के तुम्हारे यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी में इतना प्यार जो है। जल्दी चलो, तुम कैसे कर रहे हो? चलो तो भाभी, ये तो अच्छा, मैं डॉक्टर से लेकर आता हूँ। लाला जी, अगर डॉक्टर को बुलाओगे तो बिरादरी से निकाल दिए जाएंगे, घर में आने चले जाएंगे, उनका ब्याह भी तो करना है। सुन मैं जाए, यहाँ तो आदमी दम तोड़ रहा है, उनके ब्याह सोच रही हो? मैं क्या कहूँ तुम लोग, डूब मरो कहीं जाकर, डूब मरो डूब मरो। जल्दी देखो तो डॉक्टर सो गए हैं क्या? हाँ रतन, सो गए हैं, अब ये नींद कभी नहीं टूटेगी। Oh, my God.
रतन डॉक्टर, इन्हीं लोगों के वास्ते उस दिन प्रेसिडेंट से झगड़ा किया था। सोचा था तुम्हारे रहने से बगैर इलाज के कोई नहीं मरेगा। और रतन तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, रोऊंगा क्यों, किसके लिए रोऊं? अच्छा डॉक्टर, आप तुम जाओ, मैं मुर्दे को मरकट पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। एक बार जब तुम यहां आ गए अब और कोई नहीं आएगा, आए चाहे नहीं आए, मरने से बचा नहीं सका तो क्या हुआ, जलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। नहीं रतन, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सुनिए जय, आप तो आजकल मुझे देखकर ही नाराज हो जाते, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ। कहो। दो तीन दिन से आपको खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही थी, न जाने आप कैसे बनाते खाते होंगे। मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप रतन भैया के यहाँ खाने का बंदोबस्त करें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जया, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, कंपाउंडर बाबू कहाँ है? बापू लोगों से फिर गए थे। ओ, तुम नहीं गई? नहीं। क्यों? आप बापू को क्यों पूछ रहे थे? मैं चाहता था कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। कौन कौन? झूमर। हाँ डॉक्टर बाबू, हमारी बस्ती में हैजा फैल गया, सवेरे से चार पांच आदमी बीमार पड़ गए। फैल गया? हाँ डॉक्टर बाबू, कल गोली चली ना, सबने अनशन खा लिया। तुम जल्दी जल्दी चलो डॉक्टर बाबू। अच्छा अच्छा, तुम घर में भी आते हो? अच्छी बात है। क्या बात है? मच्छरों की बस्ती में हैजा फैल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जरा ठहर जाइए, मैं कुछ बनाए लाती हूँ, आप खा के जाइएगा। नहीं जया, मैं वापस आकर खा लूंगा। हाँ मैं कहता कि मेरा इस गांव में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मगर सोचता हूँ कि कहीं और रहूंगा भी कैसे। क्यों? तुम तो जानती हो जया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, इसीलिए सोचता हूँ कि अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो अकेला ही नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे बापू को जैसे भी होगा मैं राजी कर लूंगा, उनसे कहूंगा आपकी होनी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, मगर जय तुम तो साथ चलोगी ना? जया अच्छा पानी करे मैंने। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अच्छा डालो 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 थोड़ा। मेरी प्रीत अधीरा, मेरी प्रीत अधीरा। Da 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 da.
लाल गाल भये और लाल लाल देखो और लाल लाल हो जी हो मारे शर्म के है गोरी का बुरा हाल हो जी हो कोई बच के न जा पाए कोई बच के न जा पाए होली हो समलो होए होए ऐसा मलो रंग पूरे बर्फ याद आए पूरे बर्फ याद आए मुझे जल्दी जाना कर दीजिए रास्ता छोड़ दो तुम्हें शर्म आनी तुम्हें भगवान की मूर्ति है अब तुम इस नीच मटेरे के साथ सांगे से हम पर हुकुम चला रहे हो ऊंच और नीच की पहचान इंसान की पैदाइश से नहीं होती प्रेसिडेंट साहब बल्कि उसके बर्ताव से होती है खैर मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है मुझे मरीजों को देखने आना है आप मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए अगर जाना है तो तांगे से नीचे उतर कर पैदल चले जाना तो आप लोग सामने से नहीं हटेंगे नहीं आप किसी ने डॉक्टर बाबू पर हाथ उठाया तो एक एक की जान दे हाँ मैं नीच और तुम सब ऊंच हो यही तुम्हारे ऊंचेपन का नमूना यही तुम्हारा परापन डॉक्टर बाबू आप इन सब लोगों की सेवा करने आए मांगे दीजिए इन लोगों को यहाँ और आप गांव छोड़ के चले जाए हाँ झूमर मैं यहाँ से चला जाऊंगा जरूर कोई बात है आज साल भर का त्योहार और तूने घर में पड़े पड़े दिन बिता दिया हाँ हाँ बिता दिया अच्छा किया अब जाओ अपना काम करो चुर रहा है क्या हाँ छोटा बच्चा है खेलते गिर पड़ा होगा माँ 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 मैं बच्चों को बरंदे में बिठा कर रसोई चढ़ाने गई थी और तुमने इसे नीचे उतार दिया अच्छा हुआ कि मैं पहुँच गई नहीं तो गायली से मार ही डाला होता इसीलिए तुम दौड़ कर मुझे मारने चली आई देखा सुन ली ना माँ की बातें वो क्या सुनेगा हाँ मैं छोड़ आई थी पराए बच्चे को लेकर इतना लाड़ प्यार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम लोग चुप भी रहोगी या मैं घर छोड़कर चला जाऊँ क्यों चुप रहो ठीक है तो अब चिल्ला जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्ला रतन भैया क्या है भाभी कहाँ है चूल्हे में ए, 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 मुझे देख के भागा क्यों जा रहा है हाँ चोरी करने का इरादा था क्या क्या कहती हो काकी मैं तो इधर से जा रहा था सोचा पूछता जाऊँ बहू शायद कोई नए गहने बनवाए बहू नए गहने बनाएगी अरे यहाँ प्राण जल रहे हैं और तुझे नए गहने पड़ी है चल भाग भाग बहने ने कुछ नहीं बनवाने बस अच्छी अच्छी बात है अच्छी बात है बंसी भैया जी लाए हो ना क्यों रे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कैसे दिखा दिखा क्या लाया है नहीं ऐसा कुछ नहीं काकी बहू ने आपको बताने को मना किया था ना इसलिए ऐसी कोई भारी चीज नहीं है अच्छा अब मुझसे छुपा कर गहने भी बनाए जा रहे हैं देखो तो क्या घर आया है क्या देखोगे ना ये देखो हाँ बच्चे के करे इसका क्या करोगी बच्चों को देने के लिए बनवाए हैं अरे वाह ये क्या तेरे बाप की कमाई है जो गहने बना बना कर गांव भर में बांटती फिरोगी क्या करो भगवान ने मुझे तो कोई संतान दी ही नहीं इसलिए अगर बच्चों को ही अपना समझकर कुछ दे दूं
तू क्या है? बस बस अपने तो भाग फूटे, दूसरे के बच्चे को लेकर उसका भी सत्यानाश कर। आपका दिल पत्थर का है क्या? निर्मला का एक ही तो बेटा है, इसके लिए भी आज त्योहार के दिन आपने ऐसी बात कह दी। निर्मला माया ओ? ये लो संभालो अपने बच्चे को। क्यों क्या हुआ? तुमने समझ क्या रखा है? मुझे कोई कामकाज नहीं है क्या? जब देखो अपने बच्चे को मेरे घर छोड़ जाती हूँ। क्या तुम ये चाहती कि मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे बच्चे को ही संभाला करूँ? बस बस रहने दो, इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। लाओ मेरे बच्चे को। मेरा राजा बेटा। ये हंसने की बात नहीं है, मैं सच कहती हूँ। आसने को मेरे घर कभी मत भेजना, और आए बच्चे को पाल पोस कर मुझे क्या मिलेगा? तुझे माँ कहकर पुकारेगा। माया ये लो निर्मला, मेरी तरफ से बच्चों को पहना देना। कहाँ जाए? मुझे रुकी यहाँ गए हैं। तो मैंने जो कुछ सुना ये सच है? हाँ। जी 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 जी। अब मैं डॉक्टर को मुंह कैसे दिखाऊंगा? गांव की भलाई के लिए मैंने उसे रोक लिया था, अब ये गांव वाले ऐसे नाचुके ऐसे नीचे, मैं कैसे सुनूं? जया भगवान भी ये अन्य नहीं सहेंगे, सारा गांव तबाह हो जाएगा। अरे तू क्या रो क्यों रही है जया? मैं सब समझती हूँ, आज वो निर्मला का लड़का नहीं आया इसलिए तुम उलट खाए बैठी है, दिन भर खाना भी नहीं खाया। ये चरित्र मत दिखा, जो बोलना है मुंह से बोल। क्या बोल, आपकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पर कुछ नहीं होता, यही इसके सिवा क्या प्यार है? मेरा कलेजा पत्थर का तो नहीं, आपकी बातें मुझे। बहू मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ, जब तुम खुद भी समझती हो मेरी बात मान लो। दूसरों के बच्चे पर ममता रखने के बजाय सौर के बच्चे को ही प्यार कर लेना। तुम खुद ही रतन की। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए। क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम मेरे लिए तब भी ऐसी ही रहोगी जैसी अब हो। तुम रतन से कहो वो दूसरी शादी करे। ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने हाथों अपनी दुनिया नहीं उजाड़ सकती। ठीक है ठीक है, अपने फुर का घर उजाड़ कर शांति मिलती है तो तू ही इस घर में, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मुझे ये दिन भी देखना था कि अपने ससुर के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी न रहे। सुनो माँ। क्या सुनो? वो राजी हो जाएंगे, तुम समझा कर कहोगे तो वो जरूर राजी हो जाएगा। अच्छी, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं जरूर उनसे कहूंगी, जरूर कहूंगी। सच कह रही हूँ बहू। माँ माँ इलो वो रतन आ गया। ओ माँ मैं जाकर कैसी हूँ उसे? तुम लोग कैसी लापरवाह हो, नीचे का जवाब देखा? अब तो बहू भी राजी हो गई शिक्षक के लिए। उसने खुद मुझसे कहा है कि तू दूसरी शादी कर, उसे कोई इतराज नहीं। तू जा जा ना, खुद ही पूछ ले, मैं नीचे जाती हूँ। माया सुनो, माया तुमने माँ से क्या कहा? तुमने कहा है मैं शादी कर, बोलो ना क्यों, क्या ये सच है? बोलो ये सच है? रो मत माया, मैं जानता हूं ये तुम्हारे मन की बात है, ये बात तुम सोच नहीं सकते। कौन रतन? आओ। अच्छा दीदी तुमने कहा था ना माया के लिए एक ताबीज ला दोगे? ओ मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, इस गिरती के जंजाल में कुछ याद भी है, अब के जरूर ला दूंगी, कल का झमेला और मच जाएगा। सुना तूने कल शिव की? शिव की शादी किसके साथ? साथ होगी कंपाउंडर की लड़की जया के साथ होगी। जया के साथ की शादी? और मगर मुझे किसी ने बताया नहीं। बताएगा कौन, चोरी चोरी तो सब इंतजाम हो रहा है, अभी अभी कंपाउंडर आया है
वो ऊपर वाले कमरे में लेन देन तय कर रहे हैं। दादा कल ही आना चाहते हैं, कहीं फिर कोई बखेड़ा ना हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा नहीं होगा दीदी। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर कहो किससे, सबकी अकल मारी गई। अच्छा रतन, तू ये शादी किसी तरह रोक नहीं सकता? नहीं दीदी नहीं, दूसरों की भलाई की बहुत चुका, अगर कोई खुद अपनी भलाई ना चाहे तो मैं भला करता हूँ, इसकी जो मर्जी हो क्या करे, मेरी भला। लेकिन शिव के साथ होने तो मेरा क्या है। हाँ दीदी, अब की बार माया के लिए ताबीज जरूर ला दे। भैया, ये सब क्या हो रहा है? तालीम चल रही है रतन भैया, तालीम। कल छुट्टी है ना, तो हम लोग वहाँ थिएटर करेंगे। थिएटर करोगे? ब्याह की खुशियाँ मनाओ, भविष्य हो लायक सुपुत हो, ऐसे मौके पर खुशियाँ तुम नहीं मनाओगे क्या? और भी मनाएगा? चलो चलो, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। ए बस शुक्रिया, बजाओ नाचो गाओ। तुम तो बिलावजह नाराज हो रतन भैया, अब अगर जया का बाप जबरदस्ती उसकी शादी उस बहरे से कर दे तो हम लोग क्या कर सकते? क्यों जबरदस्ती क्यों करेगा? गाँव में और कोई लड़का नहीं है क्या? वो नया डॉक्टर ही तो है, उसके साथ शादी कर देता तो क्या जया को फांसी लग जाती? हम लोगों ने तो यही सोचा था कि जया की शादी डॉक्टर के साथ ही होगी। सोचा था, अच्छा क्या था? सोचो 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 और हाथ से बैठे रहो। बैठे क्यों रहेंगे? तुम एक बार कह भर दो, फिर देखो हम शादी रुकवाते हैं या नहीं। हाँ? हाँ? शादी रुकवा सकते हो? वो कैसे? कैसे? अरे रतन भैया, उनको पकड़ कर बम मार लगाए, बम मार लगाए, तीन महीने तो खटिया से उधर। मारपीट? नहीं नहीं नहीं, मारपीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मारपीट करना ठीक नहीं। अच्छा तुम लोग जो कर रहे हो करो, मैंने बेकार आकर तुम लोगों के आनंद में दखल दिया। अरे वो कहाँ है? वो राम राम जो अभी भी नाच रहा था, वो कुल्हे मटका रहा था, किधर गया वो? तुम्हारे घर से नीचे चल गया है। अच्छा ए रामू, निकल निकल रतन भाई। ये रहा, क्या बात कर रहा है तू? श्रीमती मंजरी, मारे शर्म के छुई मुई बना जा रहा। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात भी ना हो सकेगी, कंपाउंडर बाबू तो मुझे देखते ही मुंह फेर के चले गए। खैर तुम उनसे कह देना कि मुझे गोपालपुर के अस्पताल में नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? ओह, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ जया, कितनी उम्मीदें और कितनी आरजुएं लेकर इस गांव में डॉक्टरी कर दिया, मगर अब जाने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। एक इत्मीनान जरूर रहेगा कि गोपालपुर में रहकर कम से कम तुम लोगों से करीब रहूंगा। एक उम्मीद बंधी रहेगी कि शायद कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं फिर वापस आ सकूं। आपकी जरूरत अब कभी नहीं पड़ेगी और आपको तकलीफ उठाकर यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। मैं सब समझती हूँ, मैंने सबको पहचान लिया है। जया तुम तो मुझे गलत न समझो। जया गलत नहीं समझ रही, गलत मैं उस दिन समझी थी जिस दिन आप यहाँ आए थे। रतन भैया ने ठीक ही कहा था, डॉक्टरी के बहाने आप किसी की जिंदगी से खेलने आए थे। आप धोखेबाज हैं, आप झूठे हैं। Thank you.
क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए, हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए, दिल रह रह के याद दिलाए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए, दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए, दुनिया पर आई लोग पर आए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। भाभी कहाँ है ताई जी? क्यों, क्या काम है भाभी से? ये तो यहाँ पटकने आई है ना? नहीं, निर्मला जी ने पूछा है भाभी जया के ब्याह में नहीं जाएगी? पंडित की शादी हो रही है, जो जश्न मनाने वहाँ जाएगी वो नहीं जाएगी शादी होती में, चल भाग यहाँ से, चल। ए, ए, अच्छा तो ये कड़े इसे पहना भी दिए गए हैं? बहू, अरे ओहो, चल उतार उतार ये कड़े। बाबा मैं कैसे उतारूंगी, निर्मला जी नाराज होंगी ना। अरे नाराज की बच्ची, मेरी चीज है मैं लूंगी, उसका क्या, चल उतार। क्या हुआ ना? जैसे कुछ जानती, उस दिन तुझे मना किया था ना, फिर भी ये कड़े से पहना दिए। आपको चुप कहना, बाद में कहिएगा। जाओ मुनी तुम घर जाओ। हैं? जाएगी कैसी? ए मुनी ठहर तो जरा, ठहर, चल उतार, उतार ले। कैसी बातें करती हो माँ, मेरे पास जरा सी चीज वो कैसे उतार ली? तू नहीं उतार सकती तो मैं उतार लेती हूँ ना। छोड़ ना, तेरे मुँह में मानता हूँ, सुबह शाम देखने को मैं नहीं रहूंगी इस घर में। शाबाश बेटा, तेरा पार्ट अगर अच्छा हुआ मैं तुझे सोने का मेडल दूंगा। जल्दी चलो, माया भाभी ने तुम्हारी माँ को मारा है, उनका सर फट गया। अच्छा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तू झूठ कह रहा है। सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही चल के देखो ना, तुम्हारी माँ तो हमारे घर में है। चल जल्दी चल।
भाई, बोल रहे भाई, वो पन्ना का दादा तुम्हारी बहू ने काकी को मारा, क्या सच बात है? रतन, ओ रतन, ठीक 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 ठीक, ये सब क्या ना हूँ? तुम्हारी बहू ने अभी को मारा है? हाँ मारा है तो तुम्हारा क्या है? अपना घर संभालो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? बताओ ना। काफी क्या बताएंगे लाला जी, तुमने ही तो अपने बहू को सर पर चढ़ा रखा। रहने दो भाभी, ऐसे ही तो हमारे घर में आग जल रही है, अब घी क्यों डालती? चलो ना माँ। मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ क्यों? क्यों बहू के हाथ मार खाने जाएंगी? देखो लाला जी, हम लोगों पर गुस्सा नहीं करके पहले अपनी बहू को संभालो, जरा उस पर दबाव रखो। हाँ हाँ रखूंगा रखूंगा, दबाव कैसे रखा जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माया, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से गांव में किसी को मुक्त, गांव छोड़कर चला जाऊं क्या? क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया है? मुझसे भी शर्म नहीं आती? सारा गांव आज मेरी तरफ उंगली उठाता कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। मैं कुछ बोलता नहीं, तुमने वहां पर हाथ उठा दिया। तो माँ जी ने ये बात कही है तुमसे? माँ क्या कहेगी, सभी कह रहे हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखें देखा? हाँ बता, तुमने माँ को मारा क्या? नहीं बताऊंगी। क्या कहा? नहीं बताऊंगी। तुम्हारी ये मजाक की मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं ऐसा ना कहो, मैंने तुम्हारे लिए तो सबके ताने सुने, मुझे तुम्हारा ही तो सहारा है। अगर तुमने भी मुझे गलत समझा तो मैं नदी में डूब कर मर जाऊँ। हाँ हाँ डूब मरो, डूब मरो, तुम लोगों को मरना ही अच्छा है, झगड़ा मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम लोग बंद मत जाने, मैं तुम्हारा मुंह नहीं कि जहां मर्जी हो। मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं भी किस दिन सब छोड़ छाकर चला जाऊंगा। हाँ 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 तुम मरे, तुम मर, तुम लोग मर लिया था। मैं भी अंदर जाऊं, लड़की की पुकार पड़ने ही वाली है। अच्छा तुम जाओ। दीदी माया कहाँ है? हमारे घर में ही होगी शायद, निर्मला भी है ना। अच्छा प्यारी, देख लिया किसकी जीत हुई। जय, लड़की लोग तुम इधर क्या करती हो? जय कहाँ है? अंदर है। कौन है उसके पास? कमला दीदी है, उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? क्यों निकाल दिया बाहर? कमला, ए कमला, जय को लेके आओ। क्या है, क्यों चिल्लाते हो? लो रोटी क्या है? बैठ गया। ए जान दो जाना, वरना यही हो जाएगी। लो
अरे गोकुल बैठो एक दिन में तुमने तो काफी इंतजाम कर लिया है। कैसी रही? अच्छी समझो प्रेसिडेंट, लड़का तुम्हारा जरा बहरा है गोकुल, मगर कोई बात नहीं, मैंने जैसे कह दिया हूँ क्या बोल लिया करेगी। छुट्टी साथ बहुत दोनों झगड़ा करके कहां चली गई है? जा ऊपर जा, मैं अभी रंजन जला के ले आता हूं। आप चाहे मारो चाहे पीटो, पुरखों का घर छोड़कर जाऊंगी कहां? ए, कौन है रे? मां मैं, तुम आ गई? नहीं आऊंगी नहीं, अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं ही छोड़ दूंगी। क्यों, कहां गई? ऊपर जाकर बैठी है क्या? ऊपर? ऊपर ही तो है, जाओ ना जाओ, जरा बुला के देखो। हाँ अब मैं ही जाऊंगी मनाने के लिए। क्यों, कुसूर तो मैंने ही किया है ना, ला जाना जाओ जाओ जल्दी। बाबू सास को तो मार पीट कर घर से निकाल दिया और खुद रानी साहब बंसवर कर बैठी है। अरे मैं पूछती हूँ बोलती क्यों नहीं? नवाब दादी उधर मुंह किए क्या खड़ी है, जरा इधर भी तो देख। मैं जया हूँ तंकी। जया? हाँ। वो तू यहाँ क्या कर रही है? आज तेरा ब्याह है। रतन भैया मुझे, रतन तुझे लाया है? वाह तो तुम लोगों ने अंदर ही अंदर। ओह मैं भी कैसी हूँ, अरे ये मुझे पहले ही समझना चाहिए था। अरे रतन ले पकड़ पकड़, अरे रतन वो रतन तू जया से चुरा कर लाया है। हाँ। अच्छा किया, मैं पहले ही जानती थी तू माँ की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन वो महारानी कहाँ है? पता नहीं कहीं रूठ कर बैठी होगी। बैठी रहने दे, मैं भी चोरी चोरी तेरा यहाँ ब्याह कर देती हूँ। कर सकोगी? क्यों नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? हाँ वो तो है, आखिर माँ किसकी हो। जल्दी करो, प्रेसिडेंट सब लोगों को लेकर यहीं आ रहा है। ठीक है माँ, तुम जल्दी से शादी के इंतजाम कर लो, मैं अभी आता हूँ। और देखो उस जगदम्बा के बच्चे को घर में घुसने मत देना। घर में घुसेगा कैसे, आकर देखे तो सही। रतन 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 ठहर तो जरा, ठहर जा रतन। क्या है? अरे चलते क्या, कौन रहता है? रतन कहाँ? कहाँ नहीं है रतन, वो जय को उठाकर ले आया। जय को उठाकर लेकर आया, इतनी रात गए डाकुओं के तरह, किसी के घर में घुसते हुए शर्म नहीं आती, निकले बाहर। जय गई तो गई, तुम्हारे सिर की लड़की ढूंढ दूंगा। नहीं नहीं मैं अंदर जाकर तलाशी लूंगा। तलाशी लोगे? तलाशी लोगे? मारे घरों के एक-एक के बुलिया ठीक कर। देखो रतन की बाप, रतन की बाप, बुलिया ठीक कर। मैं डाला हूँ। तलाशी लेने आए हैं। अरे वाह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या? डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर? अरे वही जो चंद्रगांव से आए हैं तपन बाबू, तपन बाबू।
जन्मन गाँव गए। मछली देखने गए। अरे अबे ओ, लालचंद, अबे मेरा लालचंद तो जा, अबे आजी बात नहीं है। अरे बात की चल गई, अब मेरे साथ चलो। मेरी बात तो सुनो, मैं अभी नहीं जा सकता। वो एक औरत पानी में कूद कर जान ले गई थी, कहो कि मछलियों ने देख लिया तो बचा ली गई। उसको बेचारी को पता भी नहीं कि उसके बच्चा होने वाले। अरे चलो, ऐसे बच्चे कितने होते रहते हैं। और एक हुआ तो क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो, मैंने जुवर को इंजेक्शन लेने भेजा है, वो लेकर आ जाए तो लगा कर चलते हैं। तुम भी अंदर चलो। तुम भी अंदर चलो। अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी तुमने। जुवर आ जाए तो बहुत देर होगी। माया, जानते हो क्या कहते हो? ये मेरी बहू, तुम्हारी बहू, और खुदकुशी करने गई थी। खुदकुशी? माया, मैंने गुस्से में ना जाने की, और तुमने मेरी आदत जानती हुई भी, मगर डॉक्टर तुम अभी अभी क्या कह रहे थे? क्या होने वाला है इसे? ये माँ बनने वाली है रतन। क्या कहते हो डॉक्टर? हाँ हाँ डॉक्टर, मगर अरे मैं तो अच्छी बात भूलेगी। मैं जल्दी घर चलो, डॉक्टर की शादी है। मेरी शादी? और तुम्हारी शादी नहीं, फिक्र मेरे बाप की शादी है। मैं जल्दी घर चलो। रतन ये क्या मजाक है? ऐसी हालत मैंने कहा नहीं था। इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे संभालता हूँ। तुम चलो जल्दी घर। अरे मगर मेरी बात, अरे बात पीछे सुनूंगा, तुम चलो चलो चलो। कौन है? मैं हूँ, मैं रतन, रतन। रतन, देखो आ, देखो किसको लाया? अपने दोस्त के शादी में आए हो ना? आवा। ओ, कहाँ जाती हो माँ? छोड़ मुझे, उसे क्यों ले आया? बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे धोखा देता है। ओ माँ, माँ क्या बात है रतन? अरे बात क्या होगी, मेरे घर में तो सभी पागल है। मैं पागल हूँ, मेरी माँ पागल है, मेरी बहू पागल, सब पागल है। ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं रतन भैया, वो पुरोहित जी ने कहा था कि कन्या दान के लिए कन्या के पिता की जरूरत है, तो हम उठा लाए। किसका कन्या दान? जया का। और किसका? उसकी शादी है ना। किसके साथ? डॉक्टर के साथ। हो गई छुट्टी? हो गई छुट्टी, ठीक है। अच्छा है, हो जाएगी छुट्टी। अरे वाह, हो जाएगी छुट्टी, सोचा होगा। देख कर इरादा बदल दूंगी, वो नहीं होने का। ले रतन, ले कपड़े पहन ले। अरे ये सब पहने जाते हैं क्या? हाँ हाँ पहने जाते हैं। अरे वाह वाह, लो डॉक्टर जल्दी से पहन लो। अरे वाह, वो क्यों पहनेगा? और नहीं तो क्या, मैं पहनूंगा, तुम्हें हो क्या क्या है? अरे तुम जिसलिए मेरी शादी करना चाहती थी ना, वो तो वो डॉक्टर बताओ ना, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? तुम्हें ये कपड़े पहनो, मेरा रतन दूसरी शादी नहीं करेगा, मेरा रतन दूसरी शादी नहीं करेगा। डॉक्टर, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? जाना जल्दी से कपड़ा पहन लो, जाओ 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 जाओ। कंपाउंडर तुम ही चलो ना। मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। क्या कपड़े पहने हो? चलो ना, चलो 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 चलो। मालिक, मालिक कौन? लुटिया डूब गई मालिक, तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। रतन के घर में जया की शादी हो रही डॉक्टर के साथ। उसकी ये मचाल? हाँ बिहारी, चलो। रतन भैया, रतन भैया, जय की शादी जल्दी कर लो, प्रेसिडेंट आ रहा है। अरे आने दो आने दो। अरे बाप रे, मैं अभी आता हूँ। रतन, अरे आओ आओ प्रेसिडेंट। कुछ नहीं कर, कुछ नहीं, मैंने आज तक बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज घुटने का खून कर डालूंगा। नहीं डॉक्टर नहीं, खून का बदला जो खून से ले, खुद जानवर इंसान नहीं। और अब तो तुम हमारे गांव के दामाद, मारपीट करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। प्रेसिडेंट, मुझे मारकर
बदला तो तुमने ले ही लिया। अब पिछली बातों को भूलकर जया और डॉक्टर को आशीर्वाद दो। ये शादी प्यार की शादी है। इन लोगों की जो संतान होगी वो प्यार की संतान होगी। हमारी और तुम्हारी तरह उनके दिलों में नफरत की आग नहीं जलेगी। रतन रतन चलो चलो तुम्हारे दरवाजे आओ। भगवान की अच्छी तरह से रहना। डॉक्टर मेरी एक ही बच्ची है, इसका ख्याल। रतन भैया अरे अरे ये क्या है, मेरे पाँव में क्या रखा है? नहीं रतन, तुम जैसे आदमी के पाँव छूने को तो मेरा भी जी कहता है। तुम लोग तो सब लाइन लगाकर प्रणाम करने लगे। पापा को देखना। तू रो रही है? अरे और देखूंगा देखूंगा। कंपाउंडर अरे तुम भी सिसकने लगे। डॉक्टर जब जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठो, ये सब रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जाओ ना। अरे क्या मुसीबत, तुम लोग कभी सर रोने लगोगे तो मैं भी रो पड़ूंगा। चलो चलो जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। गाड़ी वाले चल 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 चल। कंपाउंडर तुम सचमुच रोने लगे। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी लड़की जया अपनी ससुराल जा रही है। वहां के लोग जया को देखकर कहेंगे डॉक्टर की बहुत चंदन खाओ की लड़की। और जय उन लोगों को सुनाएगी अपने काम की कहानी। और आज तुम रोने लगे। मैं रो नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूं। क्या? यही कि मैं छुट्टी हो गई। नहीं कंपाउंडर, छुट्टी हो गई नहीं, हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी। इशारे मुझको यहाँ ले आए, इस इशारे मुझको यहाँ ले आए।